हेलो एवरीवन क्लास सिक्स एन सी आर टी वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड क्लास सिक्स में हम लोगों ने जो टॉपिक्स देखा वो काफ़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प था लेकिन आपको एन सी आर टी में जितने भी टॉपिक्स थे उसके कंडेंस्ड फॉर्म आपको मैंने दे दिया उससे बाहर आपको एक भी पॉइंट नहीं पढ़ना है एक भी टॉपिक नहीं पढ़ना है ठीक है अगर कोई पढ़ाई तो भी नहीं पढ़ना है क्योंकि वो मोर देन सफिशियंट है ठीक है अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड सेवन की जितने भी टॉपिक्स हैं उसके एन सी आर टी को देखेंगे बेसिकली स्टैंडर्ड सेवेंथ की बात करें तो आपको चैप्टर लगभग बारह से तेरह चैप्टर्स हैं चैप्टर इंक्लूड क्या क्या करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट न्यूट्रिशन इन एनिमल फाइबर टू फैब्रिक हीट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट फिजिकल एंड केमिकल चेंज वेदर क्लाइमेट एंड एडप्शंस ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट विंड स्टॉम्स एंड साइक्लोन सॉइल देन रेस्परेशन इन ऑर्गेनिज्म ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स रिप्रोडक्शन इन प्लांट मोशन इन टाइम इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट इन मच वाइडर व्यू क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ा है वो एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन था वी वोल्टेज करंट पोटेंशियल डिफरेंस यही जाने थे सर्किट जाने थे अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट को थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जानेंगे फिर हम लोग लाइट देखते हैं फिर वाटर एक प्रीशियस रिसोर्स है उसको समझेंगे फिर फॉरेस्ट जो हमारा लाइफ है उसको देखेंगे फिर हम लोग वेस्ट वाटर स्टोरी समझेंगे ठीक है इतनी टॉपिक्स होगी स्टैंडर्ड सेवन में एंड वी विल फिनिश इट लाइक अ प्रो स्टार्ट करते हैं चलिए न्यूट्रिशन इन प्लांट देखते हैं देखिए न्यूट्रिशन इन प्लांट की बात कर ले तो पहले तो हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में जान लेते हैं ऑलरेडी डिस्कस्ड है सिक्स में लेकिन जो भी चीज़ें आएंगी यहाँ पर वो मैं डिस्कस करूंगा ठीक है सीधी सी बात है कुछ भी स्किप नहीं होगा एक भी पॉइंट स्किप नहीं होने वाला और ये पूरा का पूरा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा पूरी की पूरी टॉपिक ठीक है मैं पूरी की पूरी एफर्ट लगाऊंगा कि आपको कुछ भी मिस ना हो और ये पूरा का पूरा फ्री रहे लेकिन आप ये ध्यान रखना कि अगर आप इसकी यूज़ कर रहे हो अगर आप इससे बेनिफिट हो रहे हो ना तो आप इसको प्लीज़ शेयर करो और आप इस और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ठीक है चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फूड के कॉम्पोनेंट्स को समझे समझे थे हम लोगों ने जैसे कार्बोहाइड्रेट फैट्स कौन कौन थे फूड के कॉम्पोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट फैट्स हो गए प्रोटीन हो गए विटामिन हो गए मिनरल्स हो गए ठीक है तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट हैं हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए हमारे बॉडी की एक तरीके से साइनअप करने के लिए अगर हम लोग बात करें तो अब हम लोग बात करते हैं कि न्यूट्रिशन का न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग लेते हैं न्यूट्रिशन जो हम लोग लेते हैं उसके मोड्स क्या क्या हैं आखिर तरीका क्या होगा लेकिन अभी हम लोग समझेंगे वो जो तरीका समझेंगे वो प्लांट्स के लिए समझेंगे ठीक है चलिए तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड चाहिए ठीक है प्लांट जो है वो फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं खुद पे खुद लेकिन एनिमल्स की बात कर ले इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स वो खुद की फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं वो क्या होगा तो अगर हम खुद की फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो या तो हम वो उस फूड को प्लांट से लेंगे या फिर हम एनिमल से लेंगे ठीक है क्लियर है चलिए तो इसको आप कह सकते हो कि ह्यूमन्स और और जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं किस पे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं ठीक है, है? चलिए तो हम लोग डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन को समझते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से आप किसी भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन फ्रेम किया आता है यहां पर ऑटोट्रॉप्स हम लोग अभी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को समझ रहे हैं तो ऑटोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स सेप्रो सेप्रोट्रॉप्स इंसेक्टिवोरस इंसेक्टिवोरस प्लांट्स फिर सिम्बोसिस को समझेंगे एक एक करके ठीक है ये सारे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट्स के ठीक है प्लांट्स एकमात्र ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो खुद के फूड खुद बनाते हैं किस चीज़ का यूज करते हैं फूड बनाते वक्त वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स ठीक है अब जो रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट हैं उनके सराउंडिंग में उसको यूज करते हैं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं उनकी बॉडी को बिल्ड करने के लिए ग्रो करने के लिए और रिपेयर जो डैमेज हो चुकी पार्ट्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए ठीक है और ऑफ अमाउंट ऑफ़ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि आप एनर्जी लो और अपने जो फ्यूल हम दे रहे हैं आप बॉडी जो आपके पास है मशीन जो आपके पास है उसको आप प्रॉपर फंक्शनिंग कराओ और इस लाइफ को फंक्शन करो प्रोसेस करो न्यूट्रिशन जो होता है एक मोड ऑफ़ फूड इंटेक का तरीका है किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्लियर है मैं एक भी पॉइंट नहीं स्किप करूंगा आप आराम आराम से सुनते चलो ठीक है नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है कुछ टाइम के बाद मैं नोट्स प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा ठीक है तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑटोट्रॉपिक्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस या ऑटोट्रॉप्स की। अगर ऑटोट्रॉप्स की बात करें वैसे ग्रीन प्लांट्स जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं फूड खुद के लिए खुद से और वो जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं फोटो और जो खुद के ऑटो मीन सेल्फ ऑटो मीन सेल्फ खुद से जो प्लांट्स खुद से फूड बना रहे हैं वो ऑटोट्रॉप्स हो गए और जो उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गई जैसे ग्रास वीट ये सब क्लियर है अगर हम लोग हेट्रोट्रॉप्स की बात कर लेते हैं यहाँ तक आ गए तो इनको भी इनको भी थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए जैसे कि ह्यूमन्स एंड एनिमल्स हो गए कुछ जैसे ह्यूमन्स और एनिमल्स जैसे प्लांट पर डिपेंडेंट है ना वैसे ही कुछ प्लांट्स भी हैं जो कि जो कि अब देखो कामचोर तो हर घर में होते हैं तो कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो भी किसी प्लांट पर डिपेंडेंट होंगे ऐसे प्लांट्स भी देखे जाते हैं तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर किसी पे भी फूड के लिए डिपेंडेंट है तो वो ऑटोट्रॉप्स हो गए हेट्रोट्रॉप्स हो गया मीन्स हे वो खुद के फूड खुद नहीं बनाएंगे ठीक है तो बेसिकली वो जो उनका जो फूड सप्लाई होगा ना वो ऑटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं उनसे वो प्राप्त करेंगे क्लियर है अब एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ एक अमरलत्ती सुने हो या देखे हो गए अमरलत्ती या फिर इसको कहते हैं इंग्लिश में कसक्यूटा कस क्यूटा या अमरबेल कह लीजिए ठीक है ये रेडीमेड फूड उठाते हैं कहाँ से प्लांट से आप देखोगे मैं आपको दिखाता हूँ एक डायग्राम दे रखा था शायद हाँ आप देखोगे देखो ये इस प्लांट पे स्प्रे हो गए हैं पूरे का पूरा ठीक है उसके बाद क्या करते हैं ये आराम से रेडीमेड फूड जो उस प्लांट का होता है उससे ले, ले लेते हैं उसके ऊपर उसके ऊपर अच्छे से फैल गए और उनके जो फूड वो उन्होंने बनाया था वो उसको ले लेते हैं अब ये जिस प्लांट पे क्लाइंब किए हैं उसको कहते हैं होस्ट वो हो गया मेहमान वो मेहमान नवाजी करने के लिए जो होस्ट होता है वो ठीक है अब देखिए ये क्या कर रहा है ये जिस होस्ट पे ये चढ़ा है वो उसको डिप्राइव कर रहा है उनके वैल्यूएबल न्यूट्रिय से तो कस्क्यूटा वो क्या कहेंगे अब बताइए ये इनका यूज कर रहा है ये जो कस्क्यूटा है वो होस्ट का इस ग्रीन प्लांट का यूज़ कर रहा है यूज़ कर रहा है उनकी वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स को खुद ले रहा है और इसको इनको डैमेज कर रहा है इनको न्यूट्रिएंट्स इनमें फेड कर रहा है मतलब इनकी डिफिसिट डिफिसिट हो जा रही है इनमें न्यूट्रिएंट्स तो भाई इनको कहेंगे जो अब अमरबेल चढ़ा है इस पर तो अमरबेल को कहेंगे पैरासाइट पैरासाइट मतलब आप मेरा यूज़ कर रहे हो और मुझे लॉस हो रहा है और आप मेरा ही मेरे ही घर से खा रहे हो और मुझे ही लॉस कर रहे हो तो ये पैरासाइट्स हो गए ठीक है अब हम लोग बात करेंगे सेप्रोट्रॉप्स सिप... के बारे में थोड़ा सा सेप्रोट्रॉप्स को समझ लेते हैं अब हम लोग बात करेंगे सेप्रोट्रॉप्स के बारे में अगर सेप्रोट्रॉप्स के बारे में बात करें बहुत सारे ऐसे फंगाई होते हैं जो न्यूट्रिशनल से ड्राइव होते हैं ठीक है और बेसिकली जो न्यूट्रिशनल डेरिवेटिव होता है जो वो न्यूट्रिशन लेते हैं कहाँ से लेते हैं तो डेड एंड डिकंग मैटर से लेते हैं सरे गले चीज से या मरे हुए चीज से लेते हैं तो वैसे फंगाई जो डेड एंड डिक मैटर से अपने न्यूट्रिशन को ड्राइव करते हैं वैसे फंगाई को कहते हैं हम सेप्रोट्रॉप्स जैसे कि मशरूम ठीक है मशरूम इज अ फंग क्लियर है चलिए अब हम लोग बात करेंगे इंसेक्टिवोरस की तो ये सेप्रोट्रॉप्स हो गया इतना ही जानना था इसमें जैसे मशरूम्स हो गए पैकेट्स ऑफ मशरूम्स ए मशरूम ग्रोइंग ऑन एडिकेड मटेरियल तो सरे गले चीजों पे ये ग्रो करते हैं सरे गले चीज़ों से ये न्यूट्रिशनल वैल्यू को लेते हैं सरे हुए गले गले हुए चीज़ों को ये न्यूट्रिएंट्स की तरह एक्सेप्ट करते हैं ठीक है चलिए ये देखिए बूझो है ये ठीक है वेरी क्यूट क्रिएचर क्रिएटेड बाई एन टीम चलिए अब देखते हैं हम लोग बात करेंगे तो इंसेक्टिवरस की बात कर लेते हैं इंसेक्टिवरस किस तरीके से तो पिचर प्लांट यहाँ दिख रहा था आपको तो पिचर प्लांट को आप इंसेक्टिवोरस समझ सकते हो हाँ ये इंसेक्टिवोरस प्लांट यहाँ पे डिस्ड है इंसेक्टिवोरस बात कर लेते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और खुद उसको डाइजेस्ट करते हैं ये देख लो आप इस प्लांट को देख सकते हो पिचर प्लांट कहते हैं इसको बेसिकली ये लीड शो करेगा एंड देन ये अट्रैक्ट करेगा किसी भी इंसेक्ट को अपने पास में अपने बैग में जैसे ही वो बैग में इंडर इंटर करेगा ये लीड क्लोज हो जाएगा ठीक है तो वैसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स जो होते हैं उनको हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं वो ग्रीन भी हो सकते हैं या किसी और कलर के भी हो सकते हैं पीचर प्लांट कहने का मतलब जो नाम है पीचर प्लांट पीचर जो होता है ना आपने एक पीचर्स वेब सीरीज देखी होगी नहीं देखी होगी तो वो जग होता है एक पिंट होता है जिससे लोग ड्रिंक करते हैं ठीक है तो ये उस सेब का होता है जग सेब का ठीक है जग या जग सा सेब की तरह का स्ट्रक्चर होता है क्लियर है चलिए तो ये हो गया हमारा बेसिक पीचर प्लांट के बारे में और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में ठीक है चलिए अब अगर हम लोग सिम्बोइसिस की बात कर लेते हैं एक टर्म और होगा सिम्बोइसिस एक मिनट हाँ सिम्बोइसिस समझते हैं अगर सिम्बोइसिस होता क्या है कुछ ऑर्गेनिज्म वैसे होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म वैसे होते हैं जो एक साथ रहते हैं आपस का खाना शेयर करते हैं और सेल्टर शेयर करते हैं मतलब एक ही घर है दोनों रह रहे हैं और खाना भी शेयर कर रहे हैं एक देगा खाना एक देगा सेल्टर मतलब तुम मुझे घर में रहने की जगह दो मैं तुम्हारे लिए कमा के लाऊंगा खिलाऊंगा ठीक है इस रिलेशनशिप को कहते हैं हम सिंबोसिज्म और सिंबॉयसिस जैसे लाइकेन का नाम सुने होंगे आप लाइकेंस का यहीं लिख रखे हैं ठीक है? कहीं मूव करने की जरूरत नहीं है लाइकेंस का नाम सुने होंगे ठीक है लाइकेंस जो होता है एक सिंबॉएटिक एसोसिएशन है याद रखिएगा यहां से क्वेश्चन गजब का फ्रेम होता है एग्जाम में बहुत बार देखा हूं मैं लाइकेन जो होता है वो एक सिम्बोटिक एसोसिएशन है किसके किसके बीच में तो अलगी एंड फंगस के बीच में अब देखिए अलगी क्या होता है ग्रीन है मान लो तो ये हो गया आपको क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट हुआ अब क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट है तो ये फूड बनाएगा बिल्कुल फंगस जो है वो सेल्टर प्रोवाइड करेगा क्लोरोफिल कंटेनिंग अलगी जो है वो फूड बनाएगा एंड फंगस जो होगा वो सेल्टर प्रोवाइड करेगा वाटर एंड मिनरल टू द अलगी आपको प्रोवाइड करेगा रिटर्न में अलगी उसको फूड प्रोवाइड किया फंगस उसको रहने की जगह पानी और मिनरल्स प्रोवाइड किया ठीक है तो ये जो आपस का रिश्ता है ना इन दोनों का तुम मुझे खाना दो मैं तुम्हें रहना दूंगा जो तुम मुझे आजादी दो मैं तुम्हें कश्मीर दूंगा वाली बात है तो वही वाली बात है ठीक है समझ रहे हो आप चलिए क्लियर है तो ये सिम्बोसिजम हो गया तो ये हमारा अभी तक का जो कीवर्ड्स था काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप एक बार इसको रीड कर लेना अगर एक भी टॉपिक मैं मिस नहीं किया हूं एक भी टॉपिक आपको यहां से कुछ यूनिक नहीं मिलेगा अब आप, आप डायग्राम देख सकते हो ठीक है एक फोटोसिंथेसिस को देख लेते हैं बेसिक है क्लोरोफिल या फिर अभी समझते हैं क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस को काफी एक्सप्लेन वे में समझेंगे सबसे पहले समझिए कि अब अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस की बात कर लें फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जहाँ पे ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं और कुछ सर्टेन ऑर्गेनिज्म लाइट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं केमिकल एनर्जी में लाइट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं केमिकल एनर्जी में ठीक है बेसिकली पानी और जो मिनरल प्रेजेंट है सॉइल में उसको एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स के द्वारा और उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है तक मतलब रूट्स में एब्जॉर्व होगा वाटर एंड मिनरल्स आप देख सकते हो इस डायग्राम में वाटर एंड मिनरल्स रूट्स में एब्जॉर्व हुआ और ये जो एरो का डायरेक्शन दे रहा है वो ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है क्लियर है और ये ट्रांसपोर्ट कहां तक होगा ये लिव्स तक होगा ठीक है सीओ टू जो एयर में प्रेजेंट है सीओ टू जो एयर में प्रेजेंट है उसका क्या होगा वो लिया जाएगा जो लीफ्स के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स है ना उस पर लिया जाएगा उससे लिया जाएगा और ये जो पोर्स होते हैं वो सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल के द्वारा और इन्हीं पोर्स को हम कहते हैं स्टोमाटा ठीक है आप देख लो ये हो गया आपका लीफ ठीक है और ये हो गया स्टोमाटा स्मॉलर पोर्स स्टोमाटल ओपनिंग एंड गार्ड सेल ठीक है चलिए अब देखिए एक चीज और हम देखते हैं ये किसी भी लीव का एक सेक्शनल व्यू है सेक्शनली अगर हम उसको कट करेंगे तो देखिए क्लोरोफिल की पोजिशन एंड क्लोरोफिल ये स्टोमाटा हो गया ये गार्ड सेल हो गया ठीक है अब देखिए बेसिकली जो पोर्स होते हैं वो सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से आप देखिए जो पोर्स हो गए ये सराउंडेड है आपको गार्ड सेल से स्टोमाटल ओपनिंग होता है ये ये जो ओपनिंग बीच में है वो स्टोमाटा हो गया स्टोमाटल ओपनिंग कह दीजिए और ये जो साइड से एज एज कनेक्टेड है वो गार्ड सेल्स हो गए ठीक है चलिए अगर हम लोग बात करें तो जो लीव्स होते हैं उनकी उसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है इसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं जो लीव होते हैं लीव्स होते हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल कहते हैं जो कि प्लांट को मदद करता है एनर्जी को कैप्चर करने में सनलाइट से सनलाइट जो एनर्जी फॉल करेगी उसमें जो क्लोरोफिल होंगे ग्रीन लिफ्स में वो क्या करते हैं ग्रीन लिफ्स में पे जो सनलाइट फॉल कर रही है अच्छा सनलाइट की एनर्जी कैसे निकलती है एच न्यू इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा लेमडा इज़ द वेबलेंथ सी इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट एच इज़ द प्लैंगस कॉन्सटेंट उतना अभी समझना नहीं है बेसिक बस जान लो ठीक है तो जो क्लोरोफिल फॉल किया हमारा लिफ्स पे तो ग्रीन पिगमेंट जो सॉरी जो सनलाइट फॉल किया लिफ्स पे तो जो ग्रीन पिगमेंट थी उसको एब्जॉर्ब करती है उस सनलाइट को और सिंथेसाइज करती है जो कि फूड बनाने में मदद करती है ठीक है और जो सिंथेसिस होता है ना फूड का इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट उसको ही हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस यह एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ का ठीक है यह एक यूनिक प्रोसेस अर्थ का सोलर एनर्जी जो होता है वो लीव्स के द्वारा कैप्चर किया जाता है स्टोर किया जाता है प्लांट में फूड के फॉर्म में फोटोसिंथेसिस के वक्त क्लोरोफिल कंटेनिंग जो सेल होते हैं लिव्स पे सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और वाटर को यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए ठीक है आप देख सकते हो सी टू प्लस वाटर सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन ठीक है ऑक्सीजन रिलीज होती है बाहर तभी तो हम लोग प्लांट्स के पीछे भागते हैं क्लियर है चलिए तो ये लीफ का डिटेल हो गया सेक्शनल व्यू पूरा कंप्लीट डिटेल और ये आप देख सकते हो सनलाइट कैसे फॉल कर रहा है किस तरीके से सीओ को यूज किया जा रहा है किस तरीके से वाटर एंड मिनरल्स को यूज किया जा रहा है और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है बहुत ही बेसिक और सुंदर डायग्राम है देखिए एनसीआरटी का सबसे बेहतरीन चीज़ यही है कि इसको बनाने वाले ना काफी इसको एनिमेट किए हैं और काफी मजेदार बनाए हैं है ना अब एक चीज और समझो यहां से एक क्लीचे पॉइंट बनता है क्या सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लिफ्स में ही फोटोसिंथेसिस होगा तो यहां पर एक पॉज देना फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट जरूरी नहीं है कि सिर्फ लिफ्स में ही होगा ठीक है जैसे डिजर्ट प्लांट की बात कर लेते हैं उनमें क्या होते हैं आप देखोगे अगर कैक्टस का पेड़ है तो उसमें स्पाइक्स होते हैं तो स्पाइक्स भी स्पाइक्स में जो होते हैं वो जो थ्रोन होते हैं या थॉर्न कह लीजिए उसमें भी फोटोसिंथेसिस होते हैं एक्चुअली वो लिप्स ही है ठीक है वैसे लिप्स जो ग्रीन नहीं है ठीक भी, भी है वैसे प्लांट्स में लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट आपको मिलते हैं मास्क द ग्रीन कलर बेसिकली वो ग्रीन कलर को ही मास्क फॉर्म में रहते हैं वो रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स अलगी जो है वो भी फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा अब देखिए किस तरीके से सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड होगा जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है जैसे नाइट्रोजनस अगर हमें कुछ बनाना है प्रोटीन बनाना है ठीक है प्रोटीन बनाना है प्रोटीन भी एक मेजर न्यूट्रिएंट्स है और नाइट्रोजनस सब्सटेंस है क्लियर है चलिए अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट ये देखते हैं सबसे पहले ये चीज समझिए कि प्लांट जो होता है ना वो खुद से खुद नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं गैसेस फॉर्म में प्लांट जो होता है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं गैसेस फॉर्म में तो कुछ रूट लिविंग सॉयल बैक्टीरिया हैं मैं फिर से बोल रहा हूं और आगे आप बहुत एक्सटेंडेड पढ़ोगे और जब तक पीसीएससी या यूपीएससी एग्जाम दोगे तब तक पढ़ते रहोगे लेगुमस कहते हैं या फिर नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया कहते हैं उसको हम लोग समझते हैं कुछ रूट लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं जो एटमोस्फेयर में सेवेंटी एट परसेंट के आसपास नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करते हैं कैशियस नाइट्रोजन को जो अवेलेबल है यूजेबल फॉर्म में कि आप चलो जो पेड़ है या जो प्लांट है वो उसको लेगा पानी के साथ जैसे प्लांट ले पानी ले रहा है उसी तरीके के उसी फॉर्म में कन्वर्ट करके कुछ फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं फार्मर्स के द्वारा जो भी नाइट्रोजन को ऐड करते हैं डायरेक्टली सॉइल में उनके यूजेबल फॉर्म में ठीक है तो इस तरीके से प्लांट जो होते हैं वो रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन को फुलफिल करते हैं ठीक है प्लांट जो होते हैं वो प्रोटीन और विटमिन को भी सिंथिसाइज कर लेते हैं लेकिन नाइट्रोजन मेन फॉर्म में होता है और नाइट्रोजन जो होता है वो गैसियर फॉर्म में प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है तो उनको बचाने के लिए आते हैं रूट लिविंग सॉइल बैक्टीरिया जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिटिंग बैक्टीरिया क्लियर है जैसे जैसे स्टैंडर्ड राइज होगा वैसे वैसे हम लोग इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे ठीक है अब चलिए कुछ और समझ लेते हैं हा हाउ न्यूट्रिय आर रेप्लेस्ड इन दॉयल देखिए फर्टिलाइजर्स एंड मेन्यूज की बात कर लेते हैं ठीक है आपको पता होगा नाइट्रोजन पोटासियम फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स एंड मेन्यूज के बारे में समझ लेते हैं किस तरीके से सॉइल की मिनरल्स एंड न्यूट्रीन्स हैम्पर हो रही है फर्टिलाइजर्स एंड मेन्यूज जो होते हैं वो यूज़ किया जाता है सॉइल को और एनरिच करने में जैसे होता है ना कि आपकी जैसे मेन्स एनरिचमेंट प्रोग्राम तो आपकी मेन्स की तैयारी को और इंटेंसीफाई करने के लिए तो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी को और इंटेंसीफाई करने, तो करने के लिए उसी तरीके से सॉइल में फर्टिलाइजेशन मेन्यूज यूज़ करते हैं हम लोग सॉइल को और रीच करने के लिए तो जो फर्टिलाइजेशन मेन्यूज होते हैं उनमें क्या क्या होता है जैसे नाइट्रोजन पोटाशियम, फॉस्फोरस ये सब होगा एन कहते हैं इसको एन समझिए अभी एन आया नहीं है पोटाशियम इसके नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटासियम एन ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है फॉर सॉइल जो बैक्टीरिया होता है जो बैक्टीरियम होता है वो राइजोवियम होता है वो एटमोसफेरिक नाइट्रोजन को लेता है जिसको मैंने बोला था नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया वो कौन सी बैक्टीरिया होता है वो होता है राइजोवियम राइजोबियम और ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को कैच करता है और उसको कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में राइजोबियम जो होता है वो आपको रूट्स ऑफ द प्लांट्स में मिलेगा जैसे ग्राम हो गया चना हो गया पीज हो गया मटर हो गया मूंग बीन्स या फिर अदर लेग्यूम्स प्लांट को इसको लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं ये कीवर्ड को याद रखिएगा लेग्यूम्स प्लांट जो कि नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया प्रोवाइड करता है सॉइल में और इसके रिटर्न में प्लांट क्या देता है प्लांट प्रोवाइड करता है फूड एंड सेल्टर बैक्टीरिया को तो यहां पे आप बताओ मुझे जो राइ, 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 राइजोवियम बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है और जो प्लांट है वो उसको फूड एंड सेल्टर प्रोवाइड कर रहा है तो ये कौन सा रिलेशनशिप हो गया ये तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया ठीक है और ये जो आपस में संबंध है इसकी वजह से क्या होता है फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का यूज करने की जरूरत नहीं होती है तो एक दूसरे से एक दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये लोग समझ में आया तो ये सारी चीजें सिंबायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं किस तरीके से बैक्टीरिया जितनी स्टेटमेंट मैंने आपको बोली राइजोबियम ये सारा यहां पे एक एक लाइन मिल जाएगा आपको इससे बाहर एक भी पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है आप रीड करके देख लेना ठीक है चलिए तो अभी तक हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक क्लोरोफिल हेट्रोट्रॉप होस्ट इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन पैरासाइट फोटोसिंथेसिस सेप्रोट्रॉप्स सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन स्टोमाटा गार्ड सेल ये सब चीज दे, चीजें देखा ठीक है आप देख लो स्टोमेटल ओपनिंग ये हो गया ये बीच वाला स्पेस और ये दोनों गार्ड इसको प्रोटेक्टिंग कवर हो गया ठीक है अब हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं क्लोरोफिल वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट ये इसेंशियल चीजें हैं जो जरूरत होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए ठीक है जो हम लोगों ने लर्न किया वो उसकी समरी दे रखी है आप देख सकते हो एक भी पॉइंट मिस नहीं हुआ होगा ठीक है चलिए और कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो आपको प्रोडक्ट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के तो दिस इज द चैप्टर नंबर वन प्लांट न्यूट्रिशन हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर टू एनिमल न्यूट्रिशन की एक भी पॉइंट मिस नहीं हुआ है ठीक है तो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को समझेंगे ठीक है बेसिकली न्यूट्रिशन इन प्लान्स समझ गए थे न्यूट्रिशन एनिमल को समझेंगे कि एनिमल्स किस तरीके से न्यूट्रिशन को इंटेक करते हैं किस तरीके से उनकी बॉडी उस पर रिस्पॉन्ड करती है ठीक है एनिमल न्यूट्रिशन की बात करें अगर हम लोग तो बेसिकली ये इंक्लूड करती है जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट होती है जो भी तरीका होता है फूड लेने का फूड ऑफ़ मोड ऑफ इंटेक द फूड और फिर उसका उसका उस फूड का यूटिलाइजेशन क्या होता है उसके बॉडी में जो हमारा फूड होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स जरूरी होती है जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स मिनरल्स ये सब तो आपको भी मैंने ऑलरेडी बताया है अब देखिए तो बेसिकली मोड ऑफ इंटेकअप जो होता है या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी इस स्टेटमेंट को मैंने आपको बताया अभी ठीक है अब हम लोग बात करेंगे मूव करते हैं कि किस तरीके से बॉडी रिएक्ट करेगा आखिर मोड क्या क्या होता है मोड हमारे जो फूड हम लोग इनटेक करते हैं उसका मोड क्या क्या होता है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग द फूड ठीक है अब ह्यूमन विंग्स की बात कर लेते हैं इसी तरीके से और भी कुछ क्रिएचर्स की बात कर लेंगे अगर ह्यूमन विंग्स की बात करें तो हर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होगा बीज की पहले बात करते हैं बीज और हमिंग बर्ड्स जो होते हैं वो नेक्टर नेक्टर होता है जहाँ पे मीठी मीठी वो मिलती है उनको प्लांट से तो वो उससे सक करते हैं इन्फेंट्स की बात कर लें बच्चों की ह्यूमन्स में ह्यूमन्स में और बहुत सारे बच्चे जो एनिमल्स के होते हैं वो मदर्स के मिल्क पर डिपेंडेंट होते हैं स्नेक्स जैसे कि पाइथन हो गया ठीक है वो सॉलो कर लेते हैं एनिमल को प्रे प्रे करते हैं और फिर सॉलो कर लेते हैं कुछ एक्विटिक एनिमल्स की बात कर लेते हैं वो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं जो फ्लोट करते रहता है आप उसके उनके आसपास में ठीक है ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है चलिए तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा आखिर न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन कैसे होता है एक्टिविटीज़ देखने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास समय है थोड़ा सा तो आप देख सकते हो उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ठीक है चलिए तो आखिर हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन कैसे होता है न्यूट्रिएंट्स की यूटिलाइजेशन की बात करें तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटांस होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया वो कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच एंड आर ब्रोकन डाइन टू सिंपल सब्सटांस जो भी मान लो कि बड़े बड़े सब्सटांस होते हैं ठीक है वो डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं हो सकते हैं उनको स्मॉलर स्मॉलर कॉम्प्लेक्स सब्सटांस में ब्रेक करना पड़ेगा जैसे हम देखो मैं बताता हूँ ये देखिए कॉम्प्लेक्स सब्सटांस को सिंपलर सब्सटांस में आपको ब्रेक करना पड़ेगा ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली आप कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का है और डायरेक्टली यूटिलाइज हो गया ठीक है तो उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ना पड़ेगा और जो ब्रेकडाउन होगा कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट का देख सकते हैं आप सिंपलर कॉम्पोनेंट में कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट का जो ब्रेकडाउन होगा सिंपलर कॉम्पोनेंट में और सिंपलर सब्सटेंस बनेगा उसी को हम लोग डाइजेशन कहते हैं ठीक है तो उसी को हम लोग डाइजेशन कहते हैं इन सिंपलर फॉर्म क्लियर है अब देखिए ह्यूमन में डाइजेशन की बात कर लेते हैं चलिए डाइजेशन इन ह्यूमेंस देख लेते हैं बेसिकली फूड को लिया जाता है माउथ से फिर डाइजेस्ट होता है और देन यूटिलाइज्ड होता है और जो अनयूज पार्ट होता है वो डेफिकेटेड हो जाता है मतलब आप उसको बाहर फेंक देते हैं ठीक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो बेसिकली इसमें एलिमेंट्री कैनाल सेक्रेटरी ग्लैंड आपको देखने को मिलेगा अगर ह्यूमन सिस्टम की बात कर ले डाइजेस्टिव सिस्टम की आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम बन रखा है ठीक है तो इसमें आपको एलिमेंट्री कैनाल एंड सेक्रेटरी ग्लैंड देखने को मिलेंगे एलिमेंट्री कैनाल की बात कर ले ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स होता है ठीक है कंटिन्यूस कैनाल होगा ठीक है जो आपको स्टार्ट होगा बकल कैविटी से आप देख सकते हो जो स्टार्ट होगा एलिमेंट्री कैनाल की बात हम कर रहे हैं स्टार्ट होगा आपको बकल कैविटी से एंड एंड करेगा आपको एनस से ठीक है एंड करेगा एनस से ठीक है तो ये आपका हो गया बेसिक अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन अब क्या क्या होता है हम लोग देख लेते हैं बकल कैविटी होगा ठीक है फिर फूड पाइप और ऑश्यो फेगस होगा ये ये हो गया ऑयसो फेगस और फूड पाइप इसको कहते हैं काफ़ी स्मूथ होता है परस स्टाइलिस मूवमेंट्स वो करता है जो कि फूड को प्रॉपिगेट करने में यहाँ से यहाँ जाने में मदद करता है ठीक है फिर उसके बाद अलावा स्टोमक स्टोमच होता है ठीक है उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन आपको देखने को मिलेगा ठीक है और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो रेक्टम में रेक्टम में इंड करता है ठीक है ये रेक्टम में इंड करेगा लार्ज इंटेस्टाइन इसी के साथ साथ उसके बाद डायनश हो जाता है ठीक है जो मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात कर लें हम लोग अगर मेन तो ये सारे सिस्टम मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम को कंपोज करते हैं अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात कर लें तो सेलिवरिक ग्लैंड लीवर एंड पेनक्रियाज है कौन कौन सा सेलेवरिक ग्लैंड लीवर एंड पेनक्रियाज है ठीक है लीवर इज ऑल्सो अ ग्लैंड सबसे बड़ा ग्लैंड होता है ये फिर सेलेवरिक ग्लैंड हो गया उसके बाद आपको पेनक्रियाज हो गया ठीक है ये तीनों आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं जो कि डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करते हैं ये क्लास सेवन की एनसीईआरटी है बहुत ज़्यादा इंटर नहीं करना है लेकिन हमें आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ना वैसे वैसे हमें चीज़ों को और डिटेल में जानने का मौका मिलेगा अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की बात करें जैसे स्टार्च हो गया तो वो बकल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है बकल कैविटी देख लो बकल कैविटी में ही उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है ठीक है तो बकल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाएगा डाइजेशन उसके बाद डाइजेशन प्रोटीन की बात कर लेते हैं तो वो आपको स्टमक में होता है तो स्टमक में क्या होगा ये प्रोटीन होता है यहाँ पर डाइजेस्ट ठीक है और अगर बगल कैविटी की बात कर ले तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन यहीं से शुरू हो जाती है ये बात ध्यान रखना है के थ्रू आपको पूछा जा सकता है अगर कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन की बात करें तो आपको वो बगल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है और अगर प्रोटीन की डाइजेशन की बात करें तो वो वो आपको पेट में जाके मतलब स्टोमेज में जाकर ही स्टार्ट होता है ठीक है ये दोनों आपको एक पॉइंट यहाँ पे अलग कर लेना है ठीक है वैसे मैं इसकी नोट्स प्रोवाइड करूँगा एक बार मैं सोच रहा हूँ सिक्स सेवन एट नाइन की बना लूँ एटलीस्ट उतनी की नोट्स में प्रिपेयर करके डालूंगा ठीक है उसकी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आप उससे ले लेना ठीक है द बाइल सिक्रेटेड अब और देखिए जो लीवर है उससे क्या सिकरेट होता है लीवर से सिकरेट होता है बाइल ठीक है ये जो लीवर है इससे सिकरेट होता है बाइल ये जो लीवर है ठीक है पैनक्रेटिक जूस पेनक्रिया से सिकरेट होता है पेनक्रेटिक जूस पेनक्रिया से सिकरेट होता है एंड डाइजेस्टिव जूस होता है वो इंटेस्टाइनल वॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसके वॉल से सिकरेट होता है और वहां पे कंप्लीट डाइजेशन होता है जितने भी कंपोनेंट बने हैं फूड में स्मॉल इंटेस्टाइन में तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये आपको फंक्शन याद रखना है कि ये यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है और फिर जितने भी कंपोनेंट हमारे बॉडी में बने हैं उसका फॉर्मेशन यहीं पे होगा उसका डाइजेशन यहीं पे होता है ठीक है स्मॉल इंटेस्टाइन में इस बात का आपको ध्यान रखना है चलिए और जो डाइजेस्टिड फूड होता है वो एब्जॉर्व होता है ब्लड में थ्रू ब्लड वेसल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन तो कॉम्पोनेंट का ब्रेकेज और कंपोनेंट फुल्ली जो डाइजेस्ट होता है उसके जो होता है ब्लड वेसल्स में वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है ये सब सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूं, आपको कंप्लीटली एग्जाम में देखने को मिलेगा एज इट इज ठीक है जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो इन्वॉल्व क्या होता है इंजेशन डाइजेशन उसमें वो किस किस प्रोसेस से डाइजेस्ट होता है आप समझिए तो प्रोसेस देख लेते हैं माउथ टू बगल का बेटी हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हाँ तो सबसे पहले जानते हैं देखिए प्रोसेस होता है स्टेप्स का क्या होगा इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर््पन एसिमुलेशन एंड एजेशन ये पांच स्टेप होता है पूछा जाता है एग्जाम में कि अगर आपके बॉडी में कोई चीज़ एब्जॉर्ब हो रहा है अगर आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन हो रहा है तो वो -कि किस 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 पांच तरीके से गुजरते हैं वो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं तो याद रखिएगा इसको भूलना नहीं है इंजेशन हो गया उसके बाद फिर डाइजेशन होता है सेकेंड थर्ड स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन फोर्थ होता है एसिमुलेशन फिफ्थ होता है इजेशन ठीक है तो ये सारे स्टेप्स को याद रखिएगा ये एग्जाम में आपको पूछेगा और ये एक्सपेरिमेंट देखने की जरूरत नहीं है है ना चलिए अब देखिए माउथ एंड बगल कैविटी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं माउथ एंड बगल कैविटी के बारे में चलिए माउथ एंड बकल कैविटी कुछ भी मिस नहीं होगा आप एकदम परेशान मत होइएगा एक एक, एक टॉपिक आपकी आपके सामने एज इट इज दी जाएगी जो एनसीआरटी में एक भी लाइन एक भी लाइन जो एग्ज़ाम में आपको हेल्प करने वाला है वो सारा मैं बताऊंगा ठीक है इसमें ऐसा कोई भी लाइन नहीं होगा जो मिस होने वाला है जो एग्ज़ाम में आने वाला है बस अगर आप लोगों को ये चीज़ें सही लग रही है और आप चाहते हो इसी तरीके से मैं साइंस हिस्ट्री पॉलिटी इकॉनमी जोग्राफी खत्म करूँ तो आप इस चैनल को शेयर करो साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना ठीक है क्योंकि इसमें फर्ट लगता है एक मिनट की वीडियो तो बनानी नहीं है रील्स तो बनानी नहीं है ना इसमें पूरा का पूरा टाइम देना पड़ता है है ना चलिए अगर हम लोग माउथ एंड बगल कैविटी की बात करें तो प्रोसेस जो हम लोग फूड लेते हैं वो बॉडी में वो हमारा माउथ से स्टार्ट होता है इसको हम लोग इंजेक्शन कहते हैं इंजेक्शन प्रोसेस को मैंने ऑलरेडी समझा दिया बहुत ही छोटे स्टेप में समझाया लेकिन उतनी ही ज़रूरत है इंजेक्शन जो होता है आप फूड को इंजेस्ट किए इन, इन ठीक है इन जेशन तो इंजेशन को हम लोगों ने समझा वो प्रोसेस जहाँ पर हम लोग फूड को बॉडी में लेते हैं माउथ के थ्रू ठीक है फूड को फिर हम लोग च्यू करते हैं चबाते हैं टेच से और फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैकेनिकली छोटे छोटे टुकड़ों में स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक करते हैं ठीक है हमारा जो टीथ होता है वो बहुत वेरी वेरी करता है अपने एपीरियंसिस में और फंक्शनल वेरिएशंस भी होता है मतलब फंक्शनल वेरिएशंस कहने क्या मतलब हो गया कि डिफरेंट वेराइटीज़ तो होंगे ही सिप्स भी डिफरेंट होंगे जैसे मोलर प्री मोलर कनाइन इंसीजर ठीक है तो सबका अलग अलग फंक्शन भी होता है सब अलग अलग तरीके से काम भी करते हैं ठीक है जैसे अगर हम लोग बात करें कटिंग एंड बाइटिंग का काम कौन सा टिथ करता है वो इंसीजर करता है मतलब ये फूड को कट करेगा और बाइट करेगा ठीक है अगर हम लोग पियर्सिंग की बात कर ले और टीयरिंग टीथ की बात कर ले तो ये कनाइन होता है ठीक है और इसी तरीके से चबाने का च्यूइंग एंड क्रसिंग टिथ की बात करें तो वो प्री मोलर होगा ठीक है उसी तरीके से अगर ग्राइंड करना है हमें च्यू करना है और ग्राइंड करना है तो वो मोलर होता है ये चारों का फंक्शन हो गया मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ ये चारों फंक्शन आपको इसमें दे रखा है ठीक है तो अगर हम लोग फंक्शन की बात कर ले टिथ की कटिंग एंड बाइटिंग टिथ किसे कहते हैं वो इंसीजर हो जाता है ठीक है और अगर हम लोग पियर्सिंग एंड टियरिंग टिथ किसे कहते हैं तो कैनाइन हो जाएगा च्यूइंग एंड क्रसिंग टिथ किसे कहते हैं प्री मोलर हो जाएगा च्यूइंग एंड ग्राइंड ग्राइंडिंग कौन करता है आखिरी में ये मोलर होता है ठीक है टंग का काम क्या है वो स्लाइवा मिक्स करता है फूड में जब हम लोग चबाते हैं फूड को तो वो स्लाइवा sl मिक्स करता है जो कि फूड को सॉलोइंग सोलो करने में मदद करता है ठीक है और अगर हम लोग बात करें जो टंग होता है उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड को जैसे स्वीट हो गया सॉल्टी हो गया सोर सॉर हो गया बिटर हो गया ठीक है खट्टा है तीखा है मीठा है या नमकीन है ये आपको डिफरेंट जो टंग के लेयर होते हैं उससे आपको पता चलता है देखो डिफरेंट रीजन्स होते हैं टंग के ठीक है तो देखिए सामने से ये, ये वाला स्वीट बताएगा ठीक है तो समझिएगा स्वीट सॉर और फिर डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट ओपिनियंस जैसे सॉल्टी हो गया बिटर हो गया क्लियर है स्लेवरी ग्लैंड की बात कर लेते हैं वो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है तो फ्रंट पार्ट जो टंग का होता है वो स्वीट होता है पीछे से अगर हम लोग बात करें तो बिटर होता है मतलब आगे से मीठा पीछे से कड़वा ठीक है और इधर देखेंगे तो शॉर हो जाएगा और ये सॉल्टी हो जाएगा ये लेयर से क्वेश्चन फ्रेम होता है इसलिए मैंने इसको बता दिया क्लियर है हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है इसके बारे में लेकिन इतना जान लो अभी इतना ही मोर देन सफिशियंट है टंग के लिए और आगे भी समझेंगे स्लेवरी ग्लैंड जो होता है वो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है ये आपको पता होना चाहिए और ये सलाइवा को सीक्रेट करता है जो कि स्टार्च को शुगर में ब्रेक करता है तो जो सलाइवा है वो आपको क्या करता है वो आपको ब्रेक करता है स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है उसको शुगर में कन्वर्ट करता है ठीक है चलिए अच्छा एक चीज़ और समझ लेते हैं ये अरेंजमेंट है हमारे टित का टित्त का जो कॉम्बिनेशन है वो आगे और पढ़ेंगे लेकिन ये देख लीजिए मोलर एक बार हाँ ये मोलर देख लीजिए ये मोलर वाला पार्ट हो गया ये आपको आखिरी का तीन इधर और आखिरी का तीन इधर ठीक है मोलर हो गया प्री मोलर देख लीजिए दो और दो ये सेट हो गया कैनाइन जो हो गया ये दो हो गया और ये दो सेट हो गया ये दो सेट फिर इंसीज़र हो गया ये आगे का चार तो इंसीज़र हमने ऑलरेडी बताया आपको कटिंग एंड बाइटिंग टिथ होता है जैसे आगे से आप कट करते हो तो कट करेगा सीधी सी बात है कैनाइन की बात कर लेंगे तो ये पेयर्स करेगा और और टीयर करेगा टिथ मतलब टीयर करेगा फूड को च्यूइंग एंड क्रशिंग का काम होता है प्री मोलर का और सबसे आखिरी में जो मोलर होता है वो आपको ग्राइंड करता है ठीक है तो ये आपको भी बेसिक पता होना चाहिए कोई कॉम्बिनेशन अभी नहीं समझना है कितना होता है क्या होता है इतना ही मोर देन सफिशियंट है इस NCRT के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है चलिए अब हम लोग बात करते हैं फूड पाइप ओशो फेगस फेगस के बारे में ठीक है फूड पाइप एंड ऑशो फेगस के बारे में सीधी सी बात है जो हम लोग फूड को सोलो कर रहे हैं ठीक है ना वो पास होता है आपको फूड पाइप से इसी को हम लोग ऑस्टर कहते हैं ठीक है ये जो फूड है आपका वो नीचे की तरफ आ रहा है और ये ऑस्ट हो गया ये जो पाइप दिख रहा है आपको स्मूथ पाइप वो आपका ऑस्टर होता है ठीक है और जो मूवमेंट होता है फूड का ऑस्टर में एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम का तो ये जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग पर्सटैलिस मूवमेंट कहते हैं क्लियर है चलिए आगे हम लोग स्टोमच की बात कर लेते हैं स्टोमक स्टोमच की तो देखिए स्टोमच जो होता है वो फ्लैट जे सेफ होता है आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर में ये जे सिप्ट जे शिफ्ट का स्टोमक है अगर हम लोग बात करें ठीक वॉल्ड होता है इसकी वॉल जो होती है वो मोटी होती है और बैग सेप का होता है और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा ये वाइड वाइड भी होता है ठीक है और ये वाइडेस्ट पार्ट भी होता है एलिमेंट्री केनाल का यह फूड को रिसीव करता है फ्रॉम फूड पाइप एट द एंड एंड ओपन यही फूड को ओपन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में अदर में मतलब फूड पाइप से यहाँ पे ले लिया और इसे फोकस से ले लिया और फिर बाद में इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन कर दिया ठीक है स्मॉल इंटेस्टाइन का हम लोग समझेंगे बेसिकली ये क्या करता है आपको पता ही है ये बेसिकली न्यूट्रिएंट्स को ऐब्जॉर्ब करता है जो भी कॉम्पोनेंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब करता है हमारे ब्लड के लिए ब्लड ब्लड में फिर हमको इसको भेज देता है ताकि हमारा बॉडी उसको यूटिलाइज करे और हम लोग एनर्जेटिक फील करें ठीक है तो फूड हो गया अगर हम लोग इनर लाइनिंग की बात कर लेते हैं जो वॉल के वॉल की इनर लाइनिंग होती है स्टोमक की उसमें क्या होता है बेसिकली वो जो वो क्या सीक्रेट करता है म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस याद रखिएगा म्यूकस एच सी एल करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस ठीक है अभी डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है हमें क्योंकि हम आगे और पढ़ने वाले हैं जैसे स्टैंडर्ड रेज होगा हम लोग एक एक चीज को पढ़ते चलेंगे ठीक है क्लास ट्वेल्थ तक की पूरी पूरी साइंस में कराऊंगा तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जो जितना दे रखा है लिमिट वे में उतना ही बताते हैं उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है ठीक है अब देखिए जो एसिड होता है एच वो बेसिकली जो आप फूड ईट कर रहे हो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया जा जाते हैं हमारे फूड के साथ तो उसको वो किल करता है और फूड और स्टोमक के मीडियम को एसिडिक बनाता है और इससे क्या होता है जो डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं हमारे पेट से ठीक है वो क्या होता है वो फूड को और डाइजेस्टिव बनाएगा डाइजेस्टिव जूसेस जो होता है वो प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करता है ठीक है प्रोटीन को टाइलिन वायलिन होता है वो हम लोग बात कर लेंगे बाद में प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ता है इतना ही जानना है यहाँ पर फिर हम लोग बात करेंगे स्मॉलर इंटेस्टाइन की स्टोमक हो गया और स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर लें तो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होता है आप देखोगे इस तरीके का होता है बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होगा इसकी जो लेंथ होती है लगभग 7.5 सेंटीमीटर की होती है ठीक है 7.5 मीटर की सॉरी सेंटीमीटर मैंने बोल दिया 7.5 मीटर की होती है इसकी जो लेंथ है ठीक है अगर आप इसको स्ट्रेट करते हो तो ये जो सक्रेशन रिसीव कहाँ से कहाँ से करती है तो ये सेक्रेशन रिसीव करती है लीवर से सबसे पहले तो जान लीजिए लीवर से सेक्रेशन रिसीव करेगी ठीक है और पेनक्रिया से ये दोनों जगह से सिक्रेट्स होती हैं और इन तक आती हैं जो सेक्रेशंस होती हैं और एक चीज़ और है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है वो खुद से भी सीक्रेट करती है डिफरेंट जूसेस को अब हम लोग लीवर के बारे में जान लेते हैं लीवर जो होता है वो रेडिस ब्राउन ग्लैंड है ब्राउन ग्लैंड है याद रखिएगा जो कि अपर पार्ट ऑफ एप्डोमन में सिचुएटेड होता है आप देख सकते हो फिगर में अपर पार्ट ऑफ एपडोम में सिचुएटेड है ये वाला पार्ट ठीक है चलिए इसी तरीके से लिवर के बारे में और कुछ जान लेते हैं यह जो होता है यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है यह जो होता है वो सबसे बड़ा वो ग्लैंड है यह भी ध्यान रखिएगा यह सबसे बड़ा जो है ना लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी में यहां से क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा बनता है इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं यह जो है ना वो इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी और बेसिकली वो जो जो लीवर है वो बाइल जूस को सिक्रेट करता है जिसको एक सेक में स्टोर किया जाता है उसको गॉल ब्लैडर कहते हैं तो बाइल जूस जो होता है वो लिवर में बनता है लीवर में सिक्रेट होता है और वो स्टोर होता है गॉल ब्लेडर में बाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स में फैट्स के डाइजेशन में बाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है याद रखिएगा इस बात को इससे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ठीक है और ये सारी स्टेटमेंट यहां पर दे रखिये अब हम लोग बात कर लेते हैं पेन की <laughs> अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं देखो जो स्टोमक का जो वर्किंग है ना वो भी जो डिस्कवर किया, किया गया था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सीडेंट से डिस्कवर किया गया था ठीक है 1822 में एक एक मैन थे जिनका नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन वो बैडली हिट करते हैं शॉट गन से यहाँ पे देखो हिट करते हैं ठीक है तो बुलेट जो लगता है उनको वो बहुत ही सीरियसली डैमेज करता है उनके चेस्टेरिया को एंड और एक होल कर देता है उनके स्टोमक में ठीक है तो एक अमेरिकन आर्मी के डॉक्टर थे विलियम बेउमॉन्ट उन्होंने इस वे उन काम किया लेकिन वो जो होल हुआ था ना उसको मतलब ढंग से प्रॉपरली क्लोज नहीं कर पाए थे ठीक है तो जैसे वो क्लोज़ नहीं हुआ ना तो ये मौका मिला ब्यूमॉन्ट को कि वो आखिर वो चेक करें कि आखिर स्टोम के अंदर होता क्या है लाइव ठीक है तो उनको पता चला किस तरीके से फूड चर्निंग हो रहा है किस तरीके से स्टमक जो होती है वो एक फ्लूड को सिक्रेट करती है और फूड डाइसन हो पाता है और उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि किस तरीके एंड ऑफ द स्टोमक जो होता है वो ओपन होता है इंटेस्टाइन में ठीक है ये सारी चीजों को ऐसे ऑब्जर्व किया गया था हालांकि काफी इंटरेस्टिंग एटीन ट्वेंटी की बात थी नहीं तो फिर बाद में तो फिर आराम से आप उसको जान सकते थे अब हम लोग मूव करते हैं देखिए पहले तो हम लोग पैनक्रियाज समझ लेंगे फिर आगे हम लोग मूव करेंगे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के एब्जॉपन वाले फंक्शन पे पेनक्रियाज की बात कर लें तो ये लार्ज क्रीम कलर का एक ग्लैंड होता है जो कि पेट के जस्ट नीचे होता है सुमक के जस्ट नीचे ठीक है पेनक्रियाज तो पेनक्रेटिक जूस किस चीज पर एक्ट करता है यह हमको समझना है कार्बोहाइड्रेट पर एंड फैट पे पैनक्रिएटिक जूस जो होता है वो किस किस चीज़ पर एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करेगा ठीक है कार्बोहाइड्रेट फिर आपको एक्ट करेगा फैट पे फिर करेगा प्रोटीन पे ठीक है और इसको इन सारे को सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है ठीक है और जो जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड होता है वो रीच करता है लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस जहां पे उसको इंटेस्टाइनल जूस मिलता है इंटेस्टाइनल जूस मिलता है और वो क्या करता है उसको वो डाइजेशन को वहां पे कंप्लीट करता है ठीक है ना जितने भी कंपोनेंट होते हैं फूड को उसको यूज करता है यूटिलाइज करता है ठीक है चलिए अब अगर हम लोग बात करें कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्सन जो हो रहा है ठीक है एबजॉर्प्सन हो रहा है वहां तक हम लोग पहुंचे हैं अब किस तरीके से होता है समझते हैं जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है ना वो पास करता है जो भी कॉम्पोनेंट निकला एब्जॉर्ब हुआ तो वो उस कॉम्पोनेंट को भेजना है हमारे पूरे बॉडी में अगर मानो कि अगर सिर्फ वो चमच में ही रह गया या फिर इंटेस्टाइन में ही रह गया उसका कोई यूज़ नहीं है ना वो तो फिर वेस्ट हो जाएगा तो उसको प्रॉपर बॉडी में ऐब्जॉर्ब करवाना होता है तो वो एब्जॉर्ब कहाँ होता है तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना उसमें ब्लड वेसल्स होता है इंटेस्टाइन के वॉल पे ब्लड वेसल्स होते हैं ठीक है और वहाँ पे ये कंपोनेंट एब्जॉर्ब होते हैं उसी को कहते हैं एब्जॉर्बसन प्रोसेस ठीक है जो इनर वॉल होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के उनमें उनमें ना इस तरीके की विली लाइक -like स्ट्रक्चर होती है जैसे मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल है ठीक है उसमें ना इस तरीके का थाउजेंड्स ऑफ विलई होते हैं विली अब देखिए विली करता क्या है सुनिए विली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है वो सर्फेस एरिया को इंक्रीज करता है अब मान लीजिए इतना छोटा सर्फेस एरिया इतना छोटा इस पर आपने एक एक ग्लास पानी को गिरा दिया ठीक है या फिर मैं इसको बड़ा कर दूं इतना बड़ा कर दूं और इस पर एक ग्लास पानी को गिरा दूं आप मुझे बताओ ये ये बड़े वाले पे ज़्यादा जल्दी इवोपरेशन होगा या छोटे वाले पे बिल्कुल एवोपरेशन एब्जॉपन इज अ सरफेस फिनोमिना सरफेस जितना ज़्यादा मिलेगा एब्जॉपन उतना ज़्यादा होगा फिर तो आप समझ सकते हो कि विलई क्या करता है और एरिया सर्फेस एरिया प्रोवाइड करता है एब्जॉपन के लिए बहुत ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करता है तो इससे क्या होता है जो भी विलस होते हैं विलस कहने का मतलब सिंगलर जो विलई हो गए उसको विलस कहेंगे वो एक नेटवर्क होते हैं थीन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स का और उनकी सरफेस क्लोज होती है ठीक है वो जो सर्विस होता है वो एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को ठीक है ना अब हम लोग बात करेंगे फूड तो एब्जॉर्ब हो गया भाई तुमने खा लिया फिर नीचे आ गया तुम्हारे पेट में आ गया एसीमलेट हो गया फिर अब अब आपने एब्जॉर्ब कर लिया ठीक है आपने अभी एब्जॉर्ब किया एसिमुलेट नहीं किया ठीक है ना बेसिकली अगर हम लोग समझें तो देखिए जो भी एब्जॉर्ब हुआ है ना सब्सटांस वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड वेसल के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में क्लियर है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट होता है चीज की मदद से तो ब्लड वेसल की मदद से एक पाइप होता है समझ लो जब डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में पहुंचता है तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटांसेस होते हैं जैसे कि प्रोटीन हो गया बॉडी का रिक्वायरमेंट तो उसको एब्जॉर्ब करना उसको लेना है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जो डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स का कॉम्प्लेक्स सब्सटांसिस का जैसे प्रोटीन हो गया तो ये बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होता है तो ये प्रोसेस जो होता है ना उसको एस्यमुलेशन कहते हैं तो फिर एस्यमुलेशन हो जाने के बाद ना सेल में जो ग्लूकोज होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ठीक है तो जो सेल होता है उसमें ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है इनटू ऑक्सीजन सी ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज का ब्रेकन होगा ब्रेकडाउन होगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ क्या बनेगा आपको यहाँ सी प्लस वाटर रिलीज होगा ठीक है तो ये होता है और यहाँ पे ए, एनर्जी भी काफ़ी निकलता है जो फूड्स जो जो अनडाइजेस्टिड रह गए वो अनएब्जॉर्ब होते हैं और इंटर करते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ठीक है तो हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन को समझेंगे चलिए लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर ले तो सबसे पहले ये समझते हैं इसकी जो लेंथ होती है लगभग 1.5 मीटर होती है ठीक है लेंथ भी याद रखिएगा बहुत सारे एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसका जो मेन फंक्शन होता है वो आपको एब्जॉर्ब करता है वाटर और कुछ सॉल्ट को जो अनडाइजेस्टिड फूड होते हैं उससे और बाकी जो बचा खुचा रिमेनिंग रिमेन जो वेस्ट होता है उसको रेक्टम की तरफ पास कर देता है ठीक है समझ में आ गया बेसिकली क्या करेगा इसका फंक्शन मैंने अभी आपको बताया ये वाटर और कुछ सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है अनडाइजेस्टेड फूड से और जो बाकी का बचा हुआ फूड है जो वेस्ट है वो रेक्टम में पास होता है और फिर कुछ समय के लिए वहाँ रहता है फिर कन्वर्ट होता है सेमी सॉलिड फेसेस में और जो फिकल मैटर होता है वो रिमूव होता है आपके एन के थ्रू टाइम टू टाइम और इसी को हम लोग इस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन इजेस्टन इजेशन क्लियर है एक भी चीज़ मैं मिस नहीं कर रहा हूं जो भी चीज़ें आपके बुक में दे रखी हैं वो वो वन बाय वन लाइन बाय लाइन आपके सामने मिल रहा है ठीक है ना तो आपको एकदम घबराना नहीं है बस बस आराम से पेशेंस से थोड़ा सा पेशेंस रखिए थोड़ा सा शेयर कीजिए ठीक है और चीज़ों को अगर आपको सही लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो है ना वन मिनट की रील्स तो है नहीं जो आदमी ज़्यादा एफर्ट लगाए चलिए लार्ज लाइन हो गया अब देखिए अब हम लोग जानते हैं ना अब देखिए अगर आपका बुक रहेगा ना तो आप क्या फ़ायदा ले सकते हो जैसे ओ आर के बारे में बता रखा है यहाँ पे तो आप इसको रीड कर लोगे ठीक है किस तरीके से डायरिया होता है तो पेशेंट्स किस तरीके से एक एक सॉल्यूशन होता है जहाँ पे आपको वाटर कुछ सॉल्ट एंड शुगर का मिक्सचर होता है प्रोपोर्शन प्रोपोर्शनेट में आप वो उसको यूज करके बॉडी में जो डिहाइड्रेशन का कंडीशन बनता है उसको ठीक करता है आप अभी जाकर के ये चेक कीजिएगा या कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि ओ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो ओआरएस होता है उसको बनाया कि इनके द्वारा गया था हालांकि थे वो इंडियन ये भी ध्यान रखिएगा और ये काफी ज्यादा एक्सेप्ट किया गया डब्ल्यू एच ओ के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए डब्लू एच ओ की हेड क्वार्टर कहाँ पे है ठीक है अब देखते हैं हम लोग किस तरीके से कुछ वैसे जानवर जो ग्रास खाते हैं जैसे जैसे ये हमारा प्यारा गाय हो गया तो ग्रास इटिंग जो एनिमल होता है जैसे काओ बफेलोस ये इजीली सोलो करते हैं ग्रास को और स्टोर करते हैं अपने स्टोमिक के पार्ट में और इस प्रोसेस को कहते हैं रूमेन ठीक है रुमेन। मतलब जो स्टोमिक्स का पार्ट होता है उस पार्ट में जहाँ पे ग्रास जो जो ये लोग लो गल्फ करते हैं और वो डायरेक्टली स्टोर हो जाता है उसको रूमेन कहते हैं ठीक है रूमेन वाले पार्ट में ईजिली स्टोर होता है ठीक है फिर से मैं बता दे रहा हूँ जो भी ग्रास ईटेड एनिमल हैं ईटिंग एनिमल हैं वो जो ग्रास को खाते हैं तो वो क्विकली सॉलो कर लेते हैं पहले और उसको स्टोर करते हैं अपने पेट का एक हिस्सा होता है र्यूमेन कहते हैं उसको याद रखिएगा टर्म र्यूमैन ठीक है और उसके बाद फूड जो होता है वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है किसमें र्यूमेन में एंड इज कॉल्ड कड तो जैसे ही जो यहाँ पे सबमिट हुआ ग्रास पार्शियली डाइजेस्टेड फूड ठीक है तो वो उसको कहते हैं कड देखिए ये कड कहते हैं ठीक है ठेके? और बाद में क्या होता है कड जो होता है वो रिटर्न होता है माउथ में याद कीजिए आप देखते होंगे गाय को कभी बैठ के इस प्रोसेस को क्या कहते हैं एक एक रूमिनेशन होता है मतलब बैठ के चबाते रहते हैं हमेशा तो भाई ये खाना तो है नहीं इनके पास फिर चबा के आ रहे हैं तो जो कड होता है वो बाद में फिर उनके माउथ वाले पार्ट में आता है छोटे छोटे टुकड़ों में और जो एनिमल होते हैं उसको आराम से फिर से चबाते रहते हैं ठीक है इस प्रोसेस को हम लोग रूमिनेशन कहते हैं ठीक है आप अगर विलेज जाओगे या फिर कहीं पर भी, भी आप देख सकते हो रूमिने रूमिनेंट्स रूमिनेशन जो दिखेंगे और जो जो एनिमल इस प्रोसेस को करते हैं उसको रूमिनेंट्स कहते हैं ग्रास जो होता है वो सेलुलोज रिच होता है ये आपको पता होगा एक टाइप का टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ये भी यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन गया आप देखो आप एन के प्लग बाई प्लग बिट बाय बिट उठाओ आपको क्वेश्चन दिखेगा है ना और मैं पूरे एन सी आर सिर्फ आपको वो दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आएगा मैं उन चीज़ों को डिस्कार्ड कर रहा हूँ जैसे एक्सपेरिमेंट हो गया हाँ एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड अगर कुछ आउटकम आ रहा है तो मैं रख दूंगा आपके सामने लेकिन वो चीज़ें नहीं होगी जो फालतू की बकवास होती है ठीक है सेवेंटी पेजेस की नोट्स मैं आपको चार से पाँच पेजेस में दे दूंगा ठीक है और हैंड रिटिन होगा मेरा खुद का नोट्स तो वो मैं अभी तो नहीं बना रहा लेकिन टाइम के साथ मैं उसको फ्रेम करूँगा फ्रेम करूँगा साथ साथ में कुछ क्वेश्चन भी डालूंगा आप उसको बाद में ले सकते हो ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली देखिए तो रूमिनेट्स रुम, हो गया ग्रास भी पता चल गया ठीक है अब देखिए जो कैटल्स का रूमिनेंट होता है जैसे डियर हो गए इन लोगों का तो बैक्टीरिया प्रेजेंट जो होता है ना रूमिन में वो डाइजेशन में हेल्प करता है वो सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है इस बात का ध्यान रखिएगा ठीक है बहुत ही बहुत सही क्वेश्चन यहां से बन सकता है कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे ह्यूमंस हो गए वो वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं इस बात का ध्यान रखिएगा हर लोग हर चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर सकता है ह्यूमन जो होते हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं बहुत सारे ऐसे केस में तो ह्यूमन जो होता है वो मिल्क को भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं आफ्टर द एज ऑफ फाइव ईयर थ्री टू फाइव ईयर फोर टू फाइव ईयर ठीक है उनको कहा जाता है लैक्टोज इनटॉलरेंट मतलब उनकी जो गट है वो लैक्टोज मतलब मिल्क लैक्टिक एसिड कोई भी टर्म होगा लैक्टोज लैक्टिक ये मिल्क से रिलेटेड है तो वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं इसलिए बहुत लोग यूज नहीं करते हैं अब कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे हॉर्सेस हो गए रैबिट्स हो गए इनके पास ना एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो थोड़ा बड़ा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं कैशम कहते हैं कैशम या कैकम पढ़िए ठीक है ना ऑश्योफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं फिगर में शायद आगे हाँ ओशोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ये देखिए कैक कैकम देखने को आपको मिलेगा कैशम पढ़िए कैकम पढ़िए ठीक है तो देखिए बेसिकली अगर हम लोग ये स्ट्रक्चर देखें डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रोमेन रोमेनेंट आपको पता है वैसे जानवर जो रूमेन में जो जैसे ग्रास खा रहे हैं तो वो उसको स्टोर करते हैं फिर बाद में धीरे धीरे चंक्स में उसको लाके कर फिर माउथ में उसको फिर से डाइजेस्ट करते हैं ठीक है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया ठीक है और कैकम ये हो गया क्लियर है ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया ठीक है और ये ऑयसोफेगस हो गया जो फूड को नीचे की तरफ ड्रैग करके ले जाएगा मूवमेंट ठीक है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया बीच वाला क्लियर हो गया तो कैकम के बारे में पता चल गया एक लार्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है ऑस्ट्रोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो सेल्युलोज होता है फूड में ना वो डाइजेस्टेड वहीं पर होता है जहां पर कैकम होता है मतलब जो कैकम होता है जो कैशियम होता है वहीं पे सेलोज का डाइजेशन होता है ठीक है अच्छा ये डाइजेस्ट कैसे होता है कुछ बैक्टीरियाज होते हैं उनका कुछ फंक्शन होता है वहाँ पर और एक बात याद रखेगा ह्यूमन में कैकम नहीं होता है अब ह्यूमन में कैकम नहीं होता है तो आप ज़्यादा घास पात मत खाइए है ना मतलब घास सब ज़्यादा पे जो लीफी चीज़ें होती हैं हालांकि देखो खाना चाहिए लेकिन ह्यूमन बॉडी जिस तरीके से बना है वो मैं बता रहा हूँ आपको ठीक है चलिए अब हो गया ये हम लोगों ने जान लिया बेसिकली बेसिक एनिमल्स रूमेंस के बारे में उन्होंने वो कैसे कंज्यूम करते हैं उनके बॉडी में क्या कैसे पार्ट होते हैं बस आपको दो चीज़ें याद रखनी है देखो ओशो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन आपको पता है ठीक है ये पूरा जो पार्ट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक वो हो गया एस्टोम ठीक है stomach, लेकिन आपको कैशम नहीं पता था आपको र्यूमेन नहीं पता होगा मे बी आपको पता हो लेकिन ये चीज़ें आपको जाननी है जो अलग से आपको निकल के मिल रहा है एनसीआरटी से ठीक है अब हम लोग बात करेंगे अमीबा की कि अमीबा कैसे खाता है फिर डाइजेस्ट कैसे करता है ठीक है बहुत सारे स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं ना जो माइक्रोस्कोपिक हुए उनके पास अपना माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है कि उनके पास अपना माउथ और खाने के लिए जो सिस्टम होता है वो डाइजेस्टिव पार्ट भी नहीं होता है जैसे अमीबा ठीक है अमीबा के पास एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनल है जो कि पौंड वाटर में मिलता है अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कभी भी अपना फ्रीली किसी पॉन्ड वाटर स्टैग्नेट वाटर में जाकर से कूद के नहाना मत शुरू कर दिया करो एक ब्रेन ईटिंग ओमिवा होता है ठीक है वो पाया गया इंसान के बॉडी में वो एंटर करता है थ्रू नोज नोस्ट्रेल या फिर आपके एनस से या फिर कहीं से भी एंटर करेगा बॉडी में कहीं से भी एंटर करके फिर वो ब्रेन तक चला जाता है और वो ब्रेन के लिए ब्रेन को ईट करता है ठीक है तो ये ऐसा पाया गया है केरल में एक दो इंसिडेंस ऐसे देखा गया था फिर और भी किसी पार्ट ऑफ इंडिया में पूरे वर्ल्ड में देखा गया तो आप इस चीज ध्यान रखिएगा ठीक है अब देखिए अमीबा की बात कर ले तो एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि पॉन्ड में पाया जाता है इसके पास सेल मेम्ब्रेन होते हैं ये ये याद रखेगा इसके पास सेल मेम्ब्रेन होते हैं ठीक है फिर एक राउंड डेंस न्यूक्लियस होता है आप देख लीजिए अमीबा के अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर ले तो ये आपका डायग्राम है ये किसी भी शेप का आपको दिख जाएगा इस तरीके से क्लियर है तो आपको दिख जाएगा फिर इसमें क्या क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं जैसे न्यूक्लियस हो गया जैसे फूड फूड वैक्यूल हो गया ठीक है जैसे ये पूरा, पूरा का पूरा अमीबा का स्ट्रक्चर हो गया आप देखिए इंजेस्टेड मटेरियल किस तरीके से बाहर डंप कर रहा है फूड पार्टिकल को कैसे इंजेस कर रहा है मतलब इनगल्फ कर रहा है ठीक है समझते हैं तो अमीबा में सेल मेम्ब्रेन होगा एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होगा और बहुत सारे छोटे छोड़ छोटे बबल लाइक -like वैक्यूल होंगे उनके साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म अगर आपको समझ में ना आए ना तो आप एक चीज समझ लेना इसके अंदर का जो फ्लूड भरा है वो साइटोप्लाज्म एक तरीके का फ्लूड है जिसमें ये सारी चीजें तैर रही हैं ठीक है तो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं आप देख सकते हो ये सारी फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन हो गए ठीक है ये प्रोजेक्शन क्या करती हैं बेसिकली इनको हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं इनको हम लोग सीडोपोडिया कहते हैं और फॉल्स फिट मतलब दिखावे का फिट और ये करते क्या है ये मूवमेंट करते हैं चलते हैं इसी की मदद से और सबसे बेसिक और अमेजिंग चीज ये है कि ये फूड को कैप्चर करते हैं समझ रहे हो आप ये फूड को कैप्चर करते हैं क्लियर है अमीबा जो होता है वो फीड्स करते हैं कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म खुद देखो माइक्रोस्कोपिक है तो वो फीड करेंगे तो ऑब्वियसली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को फीड करेंगे ठीक है अब देखिए जब इनको लगता है कि ये फूड है मतलब वो फील करने लगेंगे हाँ ये फूड है तो वो अपने सीडोपोडिया को जो जो इनका फॉल्स फिट है ना उसको आगे की ओर बढ़ाएंगे फूड की तरफ इंगल्फ कर लेंगे जैसे मैं आपको दिखाता हूं ठीक है एक मिनट हाँ, तो ये जो पार्ट है ये इनका ये स्ट्रक्चर होगा अब जैसे मान लो कि ये फूड यहां पे मिल गया इनको अब ये क्या करेंगे ये फॉल्स फिट है स्यूडोपोडिया उसको इसके तरफ से गल्फ करेंगे इंगल्फ करेंगे ट्रैप करेंगे और धीरे-धीरे करके इसको अपने अंदर ले लेंगे और जो फूड होगा वो ट्रैप्ड हो जाएगा और यहां पर जो आगे बढ़ के वो फूड वैक्यूल बन जाएगा अब जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो सेक्रेट हो जो सेक्रेट होंगे सीक्रेट होंगे फूड वैक्यूल में ये फूड को ब्रेक करती हैं स्मॉलर स्मॉलर नोड्यूल्स में सिंपलर सब्सटेंस में धीरे धीरे जो डाइजेस्टिड फूड होता है वो एब्जॉर्ब होता है और जो अनडाइजेस्टिड फूड होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे वो बाहर एडजेस्ट हो, हो जाता है एक्सपेल्ड आउट हो जाता है वैक्यूल के द्वारा क्लियर है अब कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स होगा ये जहां तक अभी मैंने आपको चीज़ें बताई है ना वो आपको ए टू जेड लाइन बाय लाइन आपको इसमें मिल जाएगा ठीक है मैं इसको पहले प्रिपेयर किया हूं तब मैं आके आपको पढ़ा रहा हूं ठीक है अब देखिए कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जान लेते हैं सबसे पहले स्टारफिश जो होते हैं वो फीड करते हैं ऑन एनिमल कवर्ड बाई हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वैसे एनिमल पे जो हार्ड सेल में कवर्ड होते हैं फिर क्या होता है सेल को ओपन करते हैं स्टारशिप जो होते स्टार फिश जो होते हैं वो अपने स्टोमेज को पॉप आउट करते हैं तो स्टार फिश क्या करते हैं उनके सेल को ब्रेक करते हैं ठीक है और उनका जो सॉफ्ट पार्ट होता है इनसाइड द सेल उसको ईट कर लेते हैं ठीक है चलिए अगर हम लोग वर्किंग ऑफ स्टोमेज मैंने ऑलरेडी बता दिया विलियम ब्योमेंट के द्वारा 1822 में इसका पता किया गया था डायरिया जो है ना एक डिजीज है दैट मे बी कॉज बाय इन्फेक्शन फूड पॉइजनिंग और इनडाइजेशन डायरिया के लिए मैंने ऑलरेडी बताया ओ पे एस का घोल आपको जो हेल्प होगा क्लियर है अब देखिए इसमें देखता हूं कुछ छूटा तो नहीं है है ना हाँ एक चीज़ है टूथ डीके मतलब आपकी जो टूथ खराब हो जाती है वो कैसे होती है देखिए हमारे माउथ में ना बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज़ हैं जो कि हार्मफुल नहीं है हमारे लिए जो कि हमें सपोर्ट करती हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए लेकिन अगर आप अपने टेथ को क्लीन नहीं करोगे और अपने माउथ को क्लीन नहीं करोगे रेगुलर ईटिंग पे तो यहाँ पे क्या होता है बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज भी आपके अंदर वो हो जाएंगे बन जाएंगे लाइफ लीव कर लेंगे आराम से ग्रो कर जाएंगे ठीक है तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो शुगर जो भी प्रेजेंट होगा आपके लेफ्ट ओवर फूड में शुगर तो हर चीज़ में है कार्बोहाइड्रेट शुगर ठीक है तो वहाँ पर ना शुगर को जब ईट करेंगे तो वहाँ पर एसिड को रिलीज करेंगे एसिड ये हम लोग चैप्टर फोर में पढ़ेंगे वो एसिड क्या है ये सब बेसिक चीज़ें ठीक है थीके? जो एसिड होगा वो टीथ को धीरे धीरे ग्रेजुअली डैमेज करेगा आप देख सकते हो आपका बेसिक टेथ हो गया फिर धीरे धीरे ये यहाँ पे कैविटी क्रिएट किया और उसके बाद बाकी ये पूरा टेथ को बर्बाद कर दिया ठीक है तो इसको टूथ डी कहते हैं ठीक है तो आपको करना क्या है आपको यही करना है कि हमेशा टू टाइम्स अ डे डे और नाइट इंक्लूड करके दो दो बार एटलीस्ट ब्रश कीजिए और चॉकलेट्स स्वीट सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट को टूथ डी से बचाना है मतलब टूथ डीको को अगर टूथ को बचाना है तो टूथ डीके को हटाना होगा उसके लिए आपको सॉफ्ट ड्रिंक चॉकलेट्स स्वीट ड्रिंक्स ये सब थोड़ा अवॉइड करना होगा ठीक है चलिए ये था हमारा चैप्टर कैसे एनिमल ईट करते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू को लेते हैं देख लेता हूँ उसमें कुछ बचा तो नहीं है अगर हम लोग बात करें तो अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा तो आपको ये चीज़ें पता चल गई होंगी एबजो ऑप्शन एमिनो एसिड एमबा एसिमिलेशन बाइल बकल कैपिटी केनाइन सेलुलोज डाइजेशन इजेशन ठीक है फैटी एसिड फूड वैक्यूल गॉल ब्लेडर ग्लेसरॉल इन्सीजर इंजेशन लीवर मिल्किथ मोलर प्रीमोलर परमानेंटिथ वैशोफर्गस पेनक्रियास प्रीमोलर सीडोपोडिया र्यूमेन र्यूमिनंट र्यूमिनेशन सेलिवरी ग्लैंड विली विलाई और स्लाइवा ठीक है चलिए और आप चाहो तो समरी देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ना चलिए तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं अब मूव करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर थर्ड हीट की तरफ ठीक है देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे समझेंगे टेम्परेचर क्या होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है लेबोरेटरिकल थर्मोमीटर क्या होता है फिर कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है और साथ में ही डार्क सरफेस क्या होता है लाइट कलर्ड क्लॉथ्स कैसे आपको हेल्प करता है इन समर सीजन ये सब सारी चीज़ें समझेंगे ठीक है ना एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना आता है सी ब्रिजेज एंड लैंड ब्रिजेज उसको भी समझेंगे बहुत ही बेसिक चीज़ें देखो आप जब भी एग्जाम दोगे ना अच्छे लेवल पर तो आपको लगेगा कि ये चीज़ें कहाँ से आई अगर आप एन सी आर टी सी से परोगे ना कहीं ना कहीं आपको क्लास क्लास सिक्स की चीज़ें भी क्लास सेवन की चीज़ें भी क्लास एट की चीज़ें भी मदद कर देंगी ठीक है और अगर अभी तक आप कंटिन्यू किए हो इस वीडियो को मतलब आप कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट ले रहे हो और अगर आप बेनिफिट ले रहे हो तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल और इसको शेयर भी कर सकते हो ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं हीट की बात करेंगे ठीक है ना डू नॉट टच एनी ऑब्जेक्ट वेन दे आर टू हॉट ठीक है ना तो टेम्परेचर की बात कर लेते हैं टेम्परेचर क्या है टेम्परेचर को आप हॉटनेस नहीं कह सकते हो टेम्परेचर को आप कोल्डनेस नहीं कह सकते हो टेम्परेचर है डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ठीक है कि आखिर उसकी डिग्री क्या है ठीक है मतलब आप एग्जैक्ट बता रहे हो कि हाँ इतना ज्यादा डिग्री टेम्परेचर है ठीक है ना तो ये चीज समझना है बेसिकली जो टेम्परेचर होता है हॉट एंड कोल्ड एक सेंसेशन है आपके डे टू डे लाइफ में बदलता है आप कुछ हॉट चीज को टच कर लेते हो तो अरे ये हॉट है और यह कोल्ड है लेकिन कितने डिग्री तक हॉट है यह कौन बताएगा यह टेम्परेचर बताएगा ठीक है तो ये सारी जो एक्सपे एक्सपेरिमेंट हैं बच्चों वाली ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इससे जो कंक्लूजन ड्रा हुआ है वो मैं बता दूंगा आपको ठीक है चलिए अब देखिए ये जो ये जो बूझो है इसके पास काफ़ी खा खाली समय है ठीक है इसे यू की तैयारी नहीं करनी है या फिर इसे सी बी एग्ज़ाम नहीं देनी या फिर इसे पी की तैयारी नहीं करनी ठीक है ठेके? तो बूझो को जानने दो सब कुछ हाँ अगर आप सी सी की तैयारी कर रहे हो तो आप इसको कर सकते हो बूझो की जो भी कन्फ्यूज़न है उसको आप दूर कर सकते हो हमें तो सिर्फ जो बुझो जानेगा उसको जानना है है ना तो बेसिकली टेम्परेचर एक मेजर measure है मेजरमेंट है एक डिग्री है हॉटनेस या कोल्डनेस है किसी ऑब्जेक्ट में ठीक है तो ये हो गया टेम्परेचर अब हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर को मेजर जिस डिवाइस से किया जाता है ना उसको कहते हैं थर्मोमीटर क्लियर हो गया एक क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात कर ले बेसिकली ये यूज किया जाता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इसकी जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 से डिग्री सेल्सियस से होती है ये एन सी आर डाटा मैं आपको बता रहा हूँ याद रखिएगा ये डाटा आपके लिए काफ़ी ज्यादा यूजफुल हो जाएगा कहीं क्वेश्चन फ्रेम कर दिया कितना से कितना तो आप बताओगे 35 से 42 तो लोग पूछेंगे कहाँ से जाना तो बोले भाई एन ने मुझे बताया है और जो एन बता दिया उसे मैं मानूंगा ठीक है तो थर्मोमीटर टेम्परेचर एंड द गिवेंट स्पेसिफाइड टेम्परेचर ऑफ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर हम लोग जान गए नॉर्मल टेम्परेचर बात करें ह्यूमन बॉडी की तो कितना होता है नॉर्मल टेम्परेचर तो सैंतीस डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है मर्क्यूरी को यूज करते हैं इन थर्मोमीटर्स में एंड मर्क्यूरी जो होता है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है मर्क्यूरी की बात करें तो वो खाइली सेंसिटिव होता है थर्मो थर्मो टेम्परेचर के के हाईली सेंसिटिव होता है वो ठीक है और अब अब आजकल जो डिजिटल थर्मोमीटर्स आ रहे हैं ना उसमें मर्क्यूरी यूज नहीं होता है ना बट मोस्ट ऑफ दी दॉर्मलॉग एनालॉग जो थर्मोमीटर्स होते हैं आप देख सकते हो ये वाले थर्मामीटर क्लिनिकल थर्मामीटर इसमें मर्क्यूरी की की लिक्विड को डाला डालता है जो कि लिम के फॉर्म में टेम्प्रो टेंप्र, सेंसिटिव कहते हैं मतलब टेम्परेचर सेंसिटिव होता है जैसे आप उसको टच किया तुरंत से वो आगे की तरफ भागा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर सैंतीस से डिग्री सेल्सियस से एवरेज होता है ठीक है मतलब अगर वो नॉर्मल फॉर्म में है तो ठीक है चलिए अब अगर हम लोग बात करें कुछ और पर्पज के लिए यूज करते थर्मोमीटर जैसे लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर तो हम लोगों ने जाना लेबोट्री थर्मोमीटर होते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर की अगर हम लोग रेंज की बात कर ले तो बेसिकली लेबोटी थर्मोमीटर जो यूज होता है जो लेबोटरी थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं वो माइनस टेन डिग्री सेल्सियस से लेकर के हंड्रेड एंड टेन डिग्री सेल्सियस तक जाता है मतलब नेगेटिव वैल्यू को भी ये रीड करता है याद रखेगा लेबोरेटरी जो होता है उसकी जो उसकी जो पॉइंटर होती है ना वो ज़ीरो हो गया ये मान लो इधर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस हो गया तो इधर हो गया ज़ीरो माइनस टेन माइनस ट्वेंटी तो इसकी जो ये काटा होगा ना वो माइनस टेन तक ही जाएगा सिर्फ ठीक है और मैक्सिमम में एक सौ दस तक जाएगा मतलब यहां तक जाएगा मान लो क्लियर है तो ये आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज इशू है याद रहना चाहिए है ना तो ये दिया ही होगा देखिए नॉर्मल बॉडी की सैंतीस डिग्री सेल्सियस और लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो होती है वो आपको पैंतीस से बयालीस तो आपको क्लिनिकल थर्मामीटर की हो गई लेबोरेटरी की बात कर ले तो माइनस टेन से देखिए लैब थर्मामीटर की बात कर ले तो माइनस टेन से एक सौ दस डिग्री सेल्सियस ठीक है तो ये सारी चीजें इसमें थी जो मैं आपको कंक्लूड करके सामने में दे दिया ठीक है अब चलिए हीट जो होता है ना हीट वो फ्लो करता है हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी के लिए ऐसा क्यों होता है क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे अर्थ पर वो ना खुद को इक्वेबरियम में लाने की कोशिश करता है अगर आप भी तैयारी कर रहे हो तो आप चाहोगे कि मैं स्टेबल हो जाऊँ जल्दी से कुछ जॉब ले लूँ जल्दी से कुछ मुझे मिल जाए है ना हालांकि जल्दी से जो मिलना होता है वो काफ़ी एक लॉन्ग प्रोसेस होता है वो आपके एफर्ट डेडिकेशन कंसिस्टेंसी पे मैटर करता है लेकिन फिर भी हर एवरीथिंग थिंग इन दिस ऑब्जेक्ट वांट्स टू रिटेन इट्स इक्यूलिटी पोजीशन वांट्स टू रिटेन इट्स बैलेंस्ड एंड स्टेबल पोजीशन तो इस पोजिशन को मैंटेन करने के लिए टेम्परेचर बैलेंस होना होता है तो वो टेम्परेचर क्या होता है अब बाहर का टेम्परेचर जितना है मान लो पच्चीस डिग्री सेल्सियस है और अगर आप एक डिग्री सेल्सियस की रॉड को ले जा रहे हो गर्म करके तो वो रॉड चाहेगी कि जो मेरे पास टेम्परेचर है वो मैं ट्रांसफर कर दूँ इन द सराउंडिंग एटमोस्फियर और मैं बैलेंस फॉर्म में आ जाऊँ ठीक है आप आधे घंटे छोड़ दो रोड की क्या हो जाएगी टेम्परेचर पच्चीस के आसपास हो जाएगी ऐसा क्यों हुआ क्योंकि उसने हीट को ट्रांसफर किया फ्रॉम वन स्पेस टू अनदर वन फ्रॉम वन स्पेयर टू अनदर तो ये जो ट्रांसफरेंस होता है वो तीन तरीके से होता है कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन ये तीन तरीका होता है ये जितनी भी लाइनें मैं आपको बता रहा हूँ वो टोटल एनसीआरटी की लाइन बता रहा हूं आपको कहीं भी भटकना नहीं है ठीक है ट्रांसफर फीट तीन तरीके से होगा कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन ठीक है अब हम लोग बात करें सबसे पहले सॉलिड्स की बात कर लेते हैं जिसमें कंडक्शन होता है ठीक है ना तो कंडक्शन से हीट ट्रांसफर होता है जो मटेरियल होता है जो हीट को पास करने देता है अपने थ्रू वो हीट के कंडक्टर्स होते हैं विदाउट हीट के कंडक्टर्स के कंडक्शन पॉसिबल नहीं है जैसे एल्यूमिनियम हो गया आयरन हो गया कॉपर हो गया वैसे एलिमेंट्स जो अलाउ नहीं करते हैं ठीक है जो खुद से टेम्परेचर को पास होने से अलाउ नहीं करते हैं वैसे वैसे चीजें क्या होती हैं इंसुलेटर्स होती हैं ठीक है वैसे प्रोसेस जहाँ पे हीट जो है वो ट्रांसफर होती है हॉटर एंड से कोल्डर एंड पे तो उसी को हम लोग कंडक्शन कहते हैं अब मान लो कुछ बना रहे हैं आपके घर में ठीक है या आप ही कुछ बना रहे हो ठीक है तो आप गए वहाँ पे गैस पे चढ़ रखा है आप गए इस पर यहाँ पे एक स्पून रखा था मेटल का स्पून था आपको लगा रहे ये तो अंदर है इसकी हैंडल बाहर है मैं इसको टच कर लेता हूँ आपके हाथ जल गए क्योंकि यहाँ पर कंडक्शन प्रोसेस हुआ ठीक है ट्रांसफर हुआ हीट का फ्रॉम हायर एंड टू लोअर एंड ठीक है तो आपने क्या किया भाई ऐसे काम नहीं चलेगा आपने यहाँ पे एक इंसुलेटर मटेरियल को लगा दिया जो कि हीट को पास नहीं होने दे रहा है जैसे बैकलाइट यूज़ कर सकते हैं जैसे रबर यूज कर सकते हैं जैसे क्लोथ्स यूज़ कर सकते हैं जैसे वोड यूज कर सकते हैं है ना तो ये इंसुलेटर्स हो गए अगर हम लोग वाटर एंड एयर की बात कर ले तो वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के मतलब बहुत अच्छे से हीट को ट्रांसफर नहीं करते हैं लिक्विड और गैसेस की बात करें तो जो हीट ट्रांसफर होता है लिक्विड एंड गैस में उस प्रोसेस कहते हैं कन्वेक्शन अभी तक तो आपने जो देखा कंडक्शन वैसे मटीरियल जो हीट को कंडक्ट करवाते हैं अब जो हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विड और सॉलिड की मतलब फ्लुइड की वहाँ पे हीट हालांकि सारे फ्लुइड को आप इसमें कंसीडर मत करना मैं सिर्फ वाटर और लिक्विड की बात कर रहा हूँ लिक्विड और गैस समझ लीजिए नॉर्मली हालांकि कुछ आयनिक लिक्विड होते हैं जो आराम से इजिली ट्रांसफर करते हैं बट फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो जाएगी ठीक है लेट मी स्टॉप फ्रॉम दिस पॉइंट और मुझे ये बताने दो कि लिक्विड एंड गैस जो होते हैं वो वहाँ पर कन्वेक्शन प्रोसेस होता है ठीक है कन्वेक्सन प्रोसेस में क्या होता है ना कि कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता सॉरी कन्वेक्शन प्रोसेस में ना मीडियम की जो इंटर स्पेशल गैप होती है वो थोड़ी दूर होती है रेडिएशन में कोई मीडियम की रिक्वायर नहीं होती है आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस ठीक है तो आप समझते हैं रेडिएशन आखिर होता कैसे है जैसे मान लो आपने एक पतीला चढ़ा दिया यहाँ पे आग पे लगा दिया पानी इसमें भर रखा था तो कन्वेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं मान लो यहाँ पे फ्लूड है ठीक है तो आप इसको हीट करोगे ना तो बबल बाय बबल हीट ट्रांसफर होगा मतलब जो सबसे बेस पे जो बबल्स होंगे वो पहले हीट होंगे हीट होने के बाद वो लाइटर हो जाते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर अपर वाला नीचे आएगा जो हेवियर वाटर मॉलिक्यूल होगा वो नीचे आएगा इससे क्या होगा धीरे धीरे -दिर करके ये ट्रांसफर होगा एक दूसरे पे और ये हीट हो जाएगा तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस हो गया ये आप हो गया कन्वेक्शन ठीक है अब हम लोग रेडिएशन की बात कर लेते हैं रेडिएशन की आप सुनते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप सुनते हो गामा रेडिएशन अल्फा रेडिएशन बीटा रेडिएशन तो जो रेडिएशन होता है ना बेसिकली उसको कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है ट्रांसफर होने के लिए मतलब हीट अगर ट्रांसफर करना है थ्रू रेडिएशन तो आपको कोई भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है मतलब उस बीच में ना ही आपको सॉलिड चाहिए ना ही लिक्विड चाहिए ना ही कोई गैस चाहिए ठीक है जैसे सन से जब हीट निकलती है तो बहुत सारे ऐसे वेज हैं जहाँ वैक्यूम से क्रॉस करती है तो रेडिएशन कहते हैं और जितने भी बॉडीज़ हैं वो हीट रेडिएट करती हैं जितने भी हॉट बॉडीज़ हैं वो हीट रेडिएट करती हैं ठीक है चलिए कंडक्टर इंसुलेटर हम लोगों ने जान गया हम लोगों को पता चल गया कि कंडक्टर इंसुलेटर होता क्या है यहाँ पे हम लोग को हीट पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है कंडक्टर इंसुलेटर्स अगर हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा देखने को आपको वैसे कंडक्टर्स कंडक्टर्स वैसे एलिमेंट्स को कहेंगे जहां पे हीट की कंडक्शन पॉसिबल है ठीक है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आराम से इजिली फ्लो कर जाएगी वहाँ पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं हालांकि बात सही भी है कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है चलिए अब मूव करते हैं हम लोग कन्वेक्शन भी हो गया ठीक है सबसे पहले समझते हैं कि डार्क सर्फेस होते क्या हैं डार्क सर्फेसिस फिर हम लोग लैंड एंड सी ब्रिज को समझेंगे डार्क सर्फेस कहने का मतलब हुआ डार्क सर्फेस जो होते हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं ठीक है ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं इसीलिए उनको डार्क कलर्ड सर्फेस कहा जाता है जैसे डार्क कलर के कपड़े हो गए वो ज़्यादा कम्फर्टेबल होते हैं विंटर में ठीक है डार्क तो डार्क कलर जो कपड़े होंगे वो आपको विंटर में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे लेकिन अगर आप उनको समर में पहन लो तो आपको अजीब सा लगेगा क्योंकि वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेंगे ठीक है ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेंगे अगर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स आप जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं बहुत सारे हीट को रिफ्लेक्ट कर देंगे ठीक है तो जब बहुत सारे हीट को रिफ्लेक्ट कर देंगे तो आप जो पहने होंगे गर्मी के दिन में तो आपको कंफर्टेबल फील होगा ठीक है उल की बात कर लेते हैं उल जो है एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है मतलब उल जो होता है जिस तरह पेपर है उसी तरह की उल है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है जैसे आप इसको पहन लिए ठीक है तो आपको ये मत ये नहीं सोचना कि ये आपको हीट प्रोवाइड कर रही है हीट तो आपकी बॉडी ही दे रही है आपको ठीक है हीट तो आपको बॉडी ही दे रही है ठीक है लेकिन जो आपने स्वेटर पहन रखा है ना उससे क्या होता है आपकी बॉडी की जो टेम्परेचर होती है ना वो बाहर एन्वायरमेंट में नहीं जा पाती है ठीक है वो बाहर एनवायरमेंट नहीं जाती वो अंदर ही रह जाती है क्योंकि ये कंडक्शन नहीं करती है ये क्योंकि उल जो होती है वो पुअर कनेक्टर ऑफ हीट है एयर जो है वो ट्रैप्ड हो जाते हैं उल के फाइबर्स में और जो हीट फ्लो होगा आपके बॉडी से कोल्ड सराउंडिंग्स में उसको प्रिवेंट करती है ये ठीक है इसीलिए हमें अच्छा फील होता है हमें वार्म वार्म फील होता है है ना चलिए तो आपकी बॉडी की जो कर रही है वो आपकी बॉडी कर रही है अब एक इंटरेस्टिंग फर्मिला है सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज ठीक है देखो आप जब भी जियोग्राफी पर होगी ना तो इस चीज़ें ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी लेकिन उससे पहले आपको देखो क्लास सेवन के साइंस में बता रखा है तो अगर आप एन को अच्छे से डिकोड करोगे ना तो आपको बहुत ही ईजी फील होगा ठीक है आप एक काम करना अगर आप पी सी की तैयारी कर रहे हो ना तो आप आराम से एन देख लेना और घटना चक्र मेरे जो चैनल पर उसको अभी आप देख सकते हो उससे भी बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो चलिए सबसे पहले समझते हैं पहले दिन की बात करते हैं ठीक है दिन में क्या होता है लैंड जो है वो हीट हो जाता है पानी से ज्यादा मानिए मतलब सन तो आ रही है लेकिन वाटर क्या है कोल्डर है और लैंड क्या है टेरेस्ट्रियल लैंड जो है पानी के कंपेरेटिवली ऑबियस तो है थोड़ी हीट रहेगी अब ये जो सन आ रही है वो दोनों पे गा रही है लेकिन मान लो एक पाँच डिग्री सेल्सियस है एक पच्चीस डिग्री सेल्सियस है तो ये तो ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो टेरेस्ट्रियल जो अर्थ सर्फेस है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है अब अर्थ सर्फेस ज़्यादा गर्म हो जाती है तो अर्थ पे सरफेस ज़्यादा गर्म है तो जो गर्म हवा होता है ना वो ऊपर की तरफ उठता है हमेशा उसकी डेंसिटी लो हो जाती है वो ऊपर की तरफ उठेगा अब कोल्डर एयर जो होता है हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा बेसिक है विंड को ब्लो कराने के लिए सीधा सा कंसेप्ट है कि जो भी गर्म हवा होगा वो ऊपर की तरफ उठेगा ठीक है और यहाँ पर जो वैक्यूम क्रिएट होगा ना उसको फिल किया जाए कोल्डर एयर के एयर के थ्रू जो ठंडी हवा होगी जिसकी डेंसिटी हाई होती है वो यहाँ पे आते जाएगी ठीक है जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ती है मान लो इक्वेटोरियल बेल्ट पे गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो जो हॉटर एयर ऊपर जा रहे हैं वो जाकर के ऊपर कंडेंस होते हैं और फिर रेन की तरफ फॉल करते हैं तो वहाँ रेन ज़्यादा होता है ठीक है तो अब देख लो यहाँ पर ज़्यादा गर्मी था यहाँ पर कम गर्मी था ये ऊपर की तरफ उठा ये टेम्परेचर और ये यह यहाँ से ब्लो होकर यहाँ आया तो इसको कहते हैं हम लोग डे टाइम में डे टाइम में इसको सी ब्रिज कहेंगे क्योंकि जो ब्रिज है जो एयर है जो जो फ्लो ऑफ एयर है वो आपको सी से चल रही है लैंड की तरफ सी से चल रही है लैंड की तरफ जहां से चलेगी उसी का नाम देंगे ठीक है तो जो एयर होता है कूलर एयर कोल्डर एयर वो आपको सी से रस करती है लैंड की तरफ तो वार्म एयर होता है लैंड से अपवॉर्ड up, मूव up, करती है और सी की तरफ फिर से वो रिटर्न हो जाती है ठीक है तो ये जो साइकिल चलता है एयर फ्रॉम सी इज कॉल्ड सी ब्रिज ये ध्यान रखना है अब हम लोग बात करते हैं रात की बात ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है हॉट एयर ऐसे मूव कर रहा है कोल्डर एयर यहाँ से नीचे जा रहा है फिर ये इस तरह के साइकिल चेंज चलते जा रहा है ठीक है तो ये हमारा हो गया डे टाइम में ब्रिज अब रात की बात कर लेते हैं रात हुई जमीन ठंडा हुआ तो देखो जितनी जल्दी ये गर्म होता है तो उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाएगा तो यहाँ पे वाटर कंपेरेटिवली इससे ज़्यादा गर्म होगा ठीक है तो जो कोल्डर एयर होगा तो हॉटर से कोल्डर की तरफ मूव करेगा ठीक है तो ये लाइट एयर ऊपर की तरफ जाएगा लाइट एयर जो सी के पास है और यहाँ से जो भी ज़्यादा कोल्डर एयर इस तरीके से रस करेगा तो यहां पे जो विंड चलती है वो लैंड से सी की तरफ चलेगी तो ये क्या हो जाएगा ये आपको लैंड ब्रिज हो जाएगा ठीक है तो ये हो गया हमारा सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज का डेफिनेशन एंड कंसेप्ट बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है जो रात में इसी का उल्टा मतलब डे टाइम में जो होता है उसका जस्ट रिवर्स हो जाता है सी ब्रिज लैंड ब्रिज में कन्वर्ट हो जाता है वाटर ठंडा हो जाता है धीरे धीरे ठंड होता है पानी और लैंड जो होता है तुरंत कूल हो जाता है क्योंकि एयर के मदद से ठीक है तो वाटर कहां से कहां मूव करेगा लैंड से सी की तरफ क्लियर है तो ये था हमारा चैप्टर ऑफ हीट इतना ही समझना है अभी इस लेकिन इसमें जो भी पॉइंट थी एक एक पॉइंट आप इसमें से एक पॉइंट भी निकाल कर आ देना कि आपने नहीं बताया फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे उस पर लेकिन एक भी पॉइंट ऐसा नहीं जो उसमें मिस हुआ है है ना अब आप चाहो तो इनके एक्सपेरिमेंट्स पढ़ सकते हो अदरवाइज नो नीड टू रीड इन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज बिकॉज आई हैव कंक्लूडेड वट वी हैव टू रीड दिस इज ऑल अबाउट हीट एंड यू आर यू आर वॉचिंग आई स्पेसिप्लीफाइड अगर आपको ये कंटेंट सही लग रहा है तो यू कैन सब्सक्राइम चैनल अगली चैप्टर की तरफ मूव करते हैं आराम से तो हम लोग मूव करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पे बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन है लेकिन जानना बहुत जरूरत है डायरेक्टली आपको एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो जाएंगे अच्छा अगर आपको ये ये पी चाहिए ना तो आप आराम से एन डॉट एन आई सी डॉट इन भी ले सकते हो या फिर आप चाहो तो मैं अपलोड भी कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल आई एस्पी सब्लीफाइट पर ठीक है आप टेलीग्राम जरूर जुड़ जाना क्योंकि वहाँ जुड़ोगे तो आपको मैं जो जो मेरी हैंड रिइटेड नोट्स होगी वो आपको मिल जाएगी वहाँ पे ठीक है चलिए अब इसी वे सॉल्व की बात कर लेते हैं एसिड जो होता है सबसे पहले एसिड के टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं वो थोड़ा खट्टा होता है सॉर होता है ठीक है जैसे आप लेमन जूस को टेस्ट करो विनेगर को टेस्ट करो ठीक है बेसिस जो होता है वो आपको थोड़ा सा कड़वा होता है बिटर होता है और ये आपको सोपी फील होगा जब उसको टच करोगे तो थो थो थोड़ा थोड़ा सोपी फील होगा ठीक है ना जैसे बेकिंग सोडा हो गया तो ये हो गया एसिड एंड बेस के बारे में ठीक है जो वर्ड एसिड है वो बेसिकली लैटिन वर्ड एसर से लिया, लाया गया है जिसका मतलब होता है सोर ठीक है चलिए अगर लोग बात करें कुछ कॉमन सब्सटांस हैं कुछ कॉमन सब्सटान्स जहाँ पे एसिड मिलते हैं आपको ठीक है तो उसके बारे में जान लेते हैं जैसे एसिटिक एसिड है ये टेबल मतलब मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं या फिर जितना भी एग्जाम का मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने ये टेबल से क्वेश्चन जरूर देखा है मतलब आप कहीं भी एक्सपेक्ट कर सकते हो रैंडमली ऐसे क्वेश्चंस ठीक है तो एसिड्स किस में पाए जाते हैं ये जानते हैं जैसे एसिटिक एसिड की बात कर लें तो वो विनेगर में विनेगर में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड ये एंट स्टिंग में एंट में बी में ठीक है साइट्रिक एसिड खट्टा होता है साइट्रस फ्रूट्स में जैसे ऑरेंजेज हो गए लेमन्स हो गए उसमें लैक्टिक एसिड की बात कर लेते हैं तो ये कड़ में पाया जाता है ऑक्जैलिक एसिड की बात कर लेते हैं स्पेनिच मतलब पालक में पाया जाता है ये काफी इंपॉर्टेंट है इससे आप क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा फिर एस्कॉर्बिक एसिड की बात कर लेते हैं एस्कॉर्बिक एसिड जिसको विटामिन सी कहते हैं आमला साइट्रस फ्रूट में आपको देखने को मिलेगा टाटरिक एसिड की बात कर ले तो टेमेरिन ग्रेप्स अनराइप मैंगोज जो खट्टे मैंगो होते हैं ठीक है जो कच्चे वाले उसमें चलिए और ये जितने भी एसिड हैं जो आपको ऊपर अभी बताया गया ना वो सारे के सारे नेचर में अवेलेबल है फ्रीली अवेलेबल है ठीक है कुछ बेस देख लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आपको लाइम वाटर मिलता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड ठीक है ये आपको विंडो क्लीनर की तरह यूज विंडो क्लीनर मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड से सोप बनाया जाता है मैगनीजियम हाइड्रोक्साइड ये मिल्क ऑफ मैगनीजिया एम जी ओ एच का होल्डॉइस बेसिकली इसको कहाँ यूज करते हैं जब भी आप आपको आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है आपके स्ट्रमक में तो आप इसको यूज करते हो ऐसा क्यों करते हैं हम लोग क्योंकि एसिड प्लस बेस ये न्यूट्रल कर देता है ठीक है एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइज कर देता है एक दूसरे को और यहां पे बन जाता है सॉल्ट का फॉर्मेशन ठीक है सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा ठीक है चलिए अब देखिए कुछ चीजें होती हैं जिससे आप टेस्ट करोगे कि वेदर कोई भी एक सब्सटांस एसेटिक है या बेसिक है वैसे सब्स्टांस को हम लोग क्या कहते हैं इंडिकेटर्स कहते हैं तो कुछ इंडिकेटर्स तो आपको नेचर में डायरेक्टली मिल जाते हैं कुछ ऐसे होते हैं जिसको आप आर्टिफिशियली फॉर्म करते हो ठीक है चलिए तो इंडिकेटर्स क्या करते हैं इंडिकेट करने का मतलब जैसे अगर एसिड और बेस की प्रेजेंस है ना तो वो अपने कलर को चेंज कर देंगे जब भी आप एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन को ऐड करोगे उन उनपे तो वो अपने कलर को चेंज कर देंगे जैसे लेटमस होता है लेटमस टेस्ट कहते हैं लेटमस इंडिकेटर होता है टर्मेरिक होता है चाइना रोज के पेटल्स ठीक है इसको गुधल कहते हैं चाइना रोज पेटल्स ठीक है ये कुछ नेचुरल ऑकरिंग इंडिकेटर्स ये सारे हैं कौन कौन मैंने रिपीट कर देता हूँ इसे लेटमस टर्मेरिक चाइना रोज टल्स ठीक है ये सारे लिटमस क्या होता है लिटमस पेपर टेस्ट में कैसे पता चलता है कि एसिड क्या है बेस क्या है इसको समझते हैं देखिए बेसिकली यहां से क्वेश्चन एकदम हंड्रेड परसेंट बनता है तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कोई टेबल नहीं दे रखा है फिर मैं जो रिपीट कर दे रहा हूं उसको आप एक बार अपने दिमाग में बैठा लेना तो अगर हम लोग लिटमस पेपर टेस्ट की बात करें तो बेसिकली लिटमस को ना लाइकेन लाइकेंस लाइक मैंने आपको बताया था सिम्बायटिज्म है किसके किसके बीच में तो आप मुझे बताइएगा अलगी फंगाई या फिर फंगाई प्लस आ, कुछ भी कह लो यहाँ पे तो अलगी प्लस फंगाई का सिम्बाइटिज़म है या फिर फंगाई प्लस आप मान लो या फिर मूंगा चट्टान होता है ना उसका उसका है ये या फिर आप मुझे बताओ कि फंगाई प्लस बैक्टीरिया का है ठीक है आप बता सकते हो बहुत ही जी क्वेश्चन है वैसे ठीक है ये इंडिकेटर्स जो होता है इससे ही फॉर्म होता है बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे लिटमस की तो इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकिन से और बेसिकली अगर हम लोग बात करें इसका जो कलर होता है ना वो पर्पल कलर होता है देखिए देखिए ये जो हो गया ना ये लाइकेंस है आप सबसे पहले इसको देख लो एन का सबसे बड़ा फायदा यह ना कि वो फिगर फिगर दे के बताते हैं तो ये लाइकेंस हो गया और ये हो गया उससे एक्सट्रैक्ट किया गया आपको रेड एंड ब्लू लिटमस लिटमस ठीक है तो लिटमस जो होता है वो पर्पल कलर का होता है डिस्टिल वाटर में अगर हम लोग डिस्टिल वाटर की बात करें तो जो जो लिटमस होता है वो पर्पल कलर का होता है तब तो हम उस पर एसिडिक सोल्यूशन डालेंगे आप उस पर्पल कलर पर जैसे एसिडिक सोल्यूशन डाले ना तो वो लाल हो गया रेड कलर में टर्न हो गया तो जब भी आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा लिटमस टेस्ट में एसिड ऐड करने पे तो आपको क्या मिलता है तो आपको रेड कलर मिल जाएगा रेड स्ट्रिप दिखेगा ठीक है और अगर हम लोग उसको बेस से ऐड करते हैं तो वो ब्लू हो जाता है तो रेड हो जाएगा फॉर एसिड एंड ब्लू हो जाएगा फॉर बेस ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में यही आता है ठीक है तो ये लिटमस टेस्ट हो गया सेकेंड टेस्ट क्या हो गया चलिए अब टर्मरिक से कुछ कर लेते हैं भाई बिल्कुल कर सकते हैं टर्मरिक की पेस्ट बनाओ और सोप सॉल्यूशन के साथ ऐड करो कैसे देखते हैं टर्मरिक जो होता है वो येलो कलर का होता है और अगर एसिड डालते हैं ना टर्मरिक जब आप यूज कर रहे हो एक मिनट हाँ जब आप टर्मरिक टर्मरिक का यूज कर रहे हो फॉर द टेस्ट ऑफ एसिड और बेस तो जब आप एसिड डालते हो ना तो येलो का येलो ही रह जाता है वो रिमो रिमेन येलो तो आप ये बता सकते हो कि इसमें नो चेंज हो गया तो एसिड डाले तो नो चेंज ठीक है अब अगर हमको डालना है बेस ठीक है ना तो ये हो जाएगा रेड बेस डालेंगे तो रेड हो जाएगा तो टर्मरिक में एसिड विल सो नो चेंज इन कलर बट अगर हम लोग बेस मिलाते हैं तो रेड कलर में चेंज हो जाता है ठीक है चलिए तो ये हो गया अब हम लोग टर्मरिक की बात कर लेते हैं हां टर्मरिक हो गया फिर चाइना रोज की बात कर लेते हैं देखिए चाइना रोज ये है चाइना रोज फ्लावर एंड इंडिकेटर प्रिपेयर फ्रॉम इट तो इससे हम लोग प्रिपेयर करते हैं ये इंडिकेटर ठीक है चलिए तो अगर हम लोग चाइना रोज को एज इंडिकेटर यूज करते हैं गोधल कहते हैं चाइना रोज को तो वो एसिड और बेस रिएक्स कॉम्पोनेंट में किस तरीके से बिहेव करेगा चाइना रोज जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक में मैजेंटा कह सकते हैं इसको उसमें कन्वर्ट कर देगा और बेसिक सॉल्यूशन को में ग्रीन शो करेगा फिर से रिपीट कर दे रहा हूं चाइना रोज अगर आप यूज कर रहे हो एज इंडिकेटर तो आपको एसिडिक सॉल्यूशन क्या दिखेगा बेसिक सॉल्यूशन क्या दिखेगा एसिडिक सॉल्यूशन जो होगा वो आपको डार्क पिंक दिखेगा दैट इज मेजेंटा कह सकते हैं उसको मेजेंटा और अगर बेसिक सॉल्यूशन दिखेंगे तो ग्रीन दिखेगा देखिए दिखे, ये आपको याद होनी चाहिए किस में क्या दिखेगा ठीक है क्योंकि एग्जाम में आपको इस तरीके क्वेश्चन पूछते हैं ठीक है अब देखिए कोई एसिड और बेस को आप मिक्स करोगे रिएक्शन करोगे आपस में तो उस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और सॉल्ट और वाटर बनता है इस प्रोसेस में ठीक है ना साथ में हीट भी इवॉल्व होता है ठीक है अब देखिए ये जितने क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना जितने रिएक्शन में बता रहा हूँ या फिर अभी स्टार्ट किया हूँ तो इसके मैं चाहूँ तो आपको बता भी सकता हूँ ऑक्सीजन जैसे सोडियम एक एसिड ले लूंगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले, ले, ले लिया चलो मान लेते हैं ले लेता हूँ ठीक है एच सी एल ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया इसको रिएक्ट करा दिया आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड से एन ए वे से ठीक है बेस से कर दिया तो क्या बना सॉल्ट बनेगा सॉल्ट क्या बनेगा सी एल एन ए तो यहाँ बन जाएगा एन एस सी एल तो ये सॉल्ट हो गया प्लस वाटर यहां पे रिलीज हो जाएगा वाटर रिलीज हो जाएगा ठीक है अब आप देखो तो ये रिएक्शंस यहां क्यों नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये स्टैंडर्ड सेवन है बहुत ज्यादा इसको हाइपर नहीं करना है बहुत ज्यादा इसको एक्सलरेट नहीं करना है आराम आराम से पढ़ेंगे आगे जैसे एलेवन ट्वेल्थ में जाएंगे तो बहुत ज्यादा डीप में पढ़ना है ठीक है चलिए अब जैसे न्यूट्रलाइजेशन की बात कर ले हमारे डे टू डे लाइफ में इनडाइजेशन हो गया तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हेल्प एच जो होता है आपके स्टमक में वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है लेकिन अगर एक्सेल हो गया एक्सेस अमाउंट में आपके पेट में तो वो क्या होगा एसिडिटी बढ़ जाएगी एसिड कंटेंट बढ़ जाएगा देखिए मैं देखता हूं कि एसिड कंटेंट जब बढ़ जाता है ना बॉडी में तो लोग नींबू पानी पीने की बात करते हैं यार नींबू तो खुद एक एसिडिक फॉर्म हो जाएगा अगर आप उसमें नींबू पानी एड करो तो एसिडिटी और बढ़ा रहे हो ना तो थोड़ा सा आप इसमें कंसस रहना ठीक है उसके लिए आपको बेस ऐड करना पड़ेगा इसके लिए एक फेमस बेस होता है जिसको एंटासिड कहते हैं एंटी एसिड कहते हैं दैट इज न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम डालेंगे क्या मिल्क ऑफ मैग्नीजियम जिसको एम जी ओ एच का होल्टॉइस कहते हैं ठीक है चलिए और दूसरा देख लेते हैं एंट एंटीबाइट कभी भी कोई आपको चीटी काटती है तो कुछ फॉर्मिक एसिड जो होती है वो आपकी स्किन में डाल देती है ठीक है फॉर्मिक एसिड जो आपके स्किन में चली जाएगी बेसिकली उसको आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो कोई मॉइस्ट बेकिंग सोडा को ले आओ माई मॉइस्ड बेकिंग सोडा का थोड़ा सा गीला कर लो उसको लगा लो ठीक हो जाएगा इसको आप कैलामाइन सोल्यूशन भी कहते हैं सेम मॉइस्ट बेकिंग सोडा को कैलामाइन सोल्यूशन कहते हैं एक बेस होता है तो एसिड बेस मिलकर वहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो आपको उसमें वो नहीं होगा मतलब पेन नहीं होगा तो आप समझ लो आयरन वायरन से मत करना नॉर्मल एक बेकिंग सोडा का थोड़ा सा लाना हल्का से भिंगा गया और उसमें लगा लेना तो वो नॉर्मल हो जाएगा ठीक है चलिए अब एक टर्म आता है सॉइल ट्रीटमेंट ठीक है न्यूट्रलाइजेशन हम लोगों ने देखा खत्म न्यूट्रलाइजेशन के बारे में अब जो भी एक्सपेरिमेंट है उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है चलिए एंटीबायोट को समझ लिया ठीक है फिर अब देखिए बात करते हैं सॉइल ट्रीटमेंट की सॉइल ट्रीटमेंट की सबसे पहले समझते हैं आप यूज कर रहे हो बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर एसिड में सॉइल में तो सॉइल क्या हो जा रहा है एसिडिक भाई आप यूज़ कर रहे हो रेकलेस सस्टेब सस्टेनेबिलिटी की आपकी आपको ध्यान है नहीं सस्टेनेबिलिटी करने का ये मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आपको जो नेचुरल मिला है उसको आप रेकलेसली यूज़ कर रहे हो जैसे तैसे यूज़ कर रहे हो जितना आ जाए जो निकल जाए ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद तो और भी हम लोग कचरा कर दिए ठीक है अच्छी बात है फूड ग्रीनस आपको ज़्यादा मिल रहा है आप भूखे नहीं रह रहा है देश हमारा लेकिन आप जितना ज़्यादा उससे वो ले रहे हो ना देश जितनी आप सॉइल से जो खींच रहे हो ना उसमें आपको सॉइल की कंडीशन भी समझनी चाहिए ठीक है तो जब भी आप एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हो जो से क्या करता है सॉइल को ज़्यादा एसिडिक बनाता है तो जब एसिडिक धीरे धीरे हो जाएगा तो सॉइल हमारा खराब हो जाएगा तो प्लांट उसमें ग्रो नहीं करेगा अच्छे से सॉइल में या तो ज़्यादा एसिडिक हो जाए या ज़्यादा बेसिक हो जाए तो भी नहीं ग्रो करेगा ठीक है तो एसिडिक सॉइल को हम लोग ट्रीट करते हैं बेस ऐड करते हैं जैसे क्विक क्विकलाइम ऐड करेंगे सी ए ओ सी ए को कहते हैं क्विक क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड ठीक है कैल्शियम ऑक्साइड ये हो गया क्विक क्विक्लाइम या फिर आप उसमें स्लैग स्लैग्लाइम यूज कर दो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड यूज कर दो दोनों यूज़ कर सकते हो बेस ही है बेस को ऐड कर दिए तो वहां पे क्या होगा सॉइल जो होगा वो बेसिकली न्यूट्रलाइज हो जाएगा और दूसरी चीज क्या होती है अगर सॉइल में बेस ज्यादा है तो कोई ऑर्गेनिक मैटर मिला दो जो एसिडिक नेचर का होता है दोनों काम कर सकते हो आपको तो नॉर्मल करना है सॉइल को तो ये हो गया आपका सॉइल ट्रीटमेंट आप सॉइल को ट्रीट कर रहे हो टू यूज इट फर्दर टू यूज़ इट इन अ बेटर वे ठीक है अब हम लोग बात करते हैं फैक्ट्री वेस्ट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं बेसिकली क्या होता है बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज हैं जिसमें एसिड होते हैं जो उसका उनका जो बाइक प्रोडक्ट होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा एसिड होते हैं ठीक है तो उनको वाटर बॉडीज में अगर अलाउ किया गया है ठीक है चलिए थोड़ी सी बेसी एसिडिक है आप इसको वाटर बॉडीज में डाल दो ठीक है ना तो वो एसिड क्या होगा वैसे यार इतने हम लोग ग्रेडी हैं कि हम लोग बहुत कर रहे हैं आप यमुना वाले रिवर यमुना रिवर को आगे देखोगे या फिर इंडिया के जो सबसे मतलब खान रिवर है ठीक है ये कहाँ की रिवर है मुझे बताना ये है कहाँ पर एम पी छत्तीसगढ़ आप जहाँ कमेंट कर लेना तो जो भी मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है हमारे इंडिया में उसमें जैसे अब वो देख लो दामोदर रिवर जो झारखंड वाली है जो सौरव बंगाल कहते हैं जिसको वो करता क्या है वो इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड पौलुट, है इतना ज़्यादा पॉलिटेड क्यों क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज है इंडस्ट्री वाले पैसे पे करते हैं गवर्नमेंट को गवर्नमेंट बोलती है ठीक है डंप कर दो कोई ट्रीटमेंट कुछ नहीं तो एसिड जो जाएगी उसमें तो वो उसमें जो इको है उसमें जो मछलियाँ हैं या जो भी ऑर्गेनिज्म है वो मरेंगे ठीक है ना तो ये कंडीशन होता है कि जो भी आप फैक्ट्री वेस्ट को डंप कर रहे हो तो पहले उसको न्यूट्रलाइज करो उसको एसिडिक मोड में रहने मत दो पहले न्यूट्रलाइज़ करो फिर यूज़ करो ये तो गलत बात है ना कि आप आप डायरेक्टली एसिडिक कंपोनेंट को डंप कर दे रहे हो इससे हमारा जो भी इकोसिस्टम है वो बर्बाद हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए इन्वायरमेंट को नहीं देखा जाता देखिए यहाँ पे तो फिर भी इन्वायरमेंटल नॉर्म्स जैसे जैसे निकल जाते हैं पैसे वैसे खिला के लेकिन बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्री हैं जहाँ पे अगर पॉन्ड एक पॉन्ड है ठीक है अगर वो किसी आसपास पास की इंडस्ट्री के होने की, की वजह से उस पॉन्ड में ग्राउंड वाटर में अगर कुछ मिक्स हो रहा है ना तो लोग आसपास के लोग उसको सू कर देते हैं ठीक है ठेके? और फिर उस वहाँ पे इतनी नौबत आती है कि उस फैक्ट्री को वहाँ से हटाना पड़ जाता है ठीक है तो हम लोगों को अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा आसपास के लोगों अगर आपके आसपास के लोकैलिटी में कुछ ऐसा हो रहा है तो आप उनको सजेस्ट करो कि ऐसा नहीं होना चाहिए आप कुछ कंप्लेन करो एनजीटी बना हुआ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना हुआ बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की फैक्टर को देखती हैं हमेशा याद रखिए कोर्ट्स जो है ना वो इन्वायरमेंट के मामले में थोड़ा ज़्यादा सजग है वो काम अच्छा करती हैं ठीक है दिस इज ऑल अबाउट इस बेस सॉल्ट ऑफ क्लास सेवन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या है अब स्टार्ट करते हैं हमारे नए चैप्टर के साथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को ठीक है अच्छा चैप्टर है यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बेसिकली केमिस्ट्री वाले पार्ट में यह देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन कि कौन सा रिएक्शन है क्या है वो केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है द द फॉलोइंग ऑप्शन इज गिवन एज केमिकल चेंज द द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन इज केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज ठीक है तो देखिए बेसिकली समझते हैं जो भी की और फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड वो मैं आपको कंक्लूटिवली इसमें दे देता हूँ ठीक है सबसे पहले चीज समझते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट में जो चेंज हो रहा है या किसी भी मटेरियल में चेंज हो रहा है ना वो कुछ इंटरनल फैक्टर से भी चेंज हो सकता है एक्सटर्नल फैक्टर से भी चेंज हो सकता है ठीक है तो दो तरीके के चेंज होंगे फिजिकल चेंज केमिकल चेंज फिजिकल चेंज की अगर हम लोग बात कर ले देखो फिजिकल चेंज की बात कर ले तो वैसे चेंजेस किसी के फिजिकल प्रॉपर्टीज में किसी भी सब्सटेंस के जैसे कि उसका शेप हो गया जैसे उसका साइज हो गया कलर हो गया और स्टेट्स हो गया इससे क्या होता है कोई नए कोई नई सब्सटेंस नहीं बन जाएगी आपको फिजिकल चेंज में उसकी जो चेंजेस होते हैं वो फिजिकल चेंज में जैसे शेप में चेंज हो गया साइज में चेंज हो गया कलर चेंज हो गया या स्टेट चेंज हो गया और कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा इस चेंजेस से यह जो चेंजेस होते हैं हो सकते हैं कि रिवर्सिबल हो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यह जो चेंजेस होते हैं वो हो सकते हैं कि रिवर्सिबल हो रिवर्सिबल होना इसमें पॉसिबिलिटी है ठीक है इस बात का ध्यान रखना है यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है जैसे आपने एक छोटे से चौक को टुकड़ों में तोड़ दिया फिर डस्ट बना दिया ठीक है जैसे ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल है ठीक है केमिकल चेंज की बात कर ले अगर केमिकल चेंज की बात कर लेते हैं हो सकता है जब केमिकल चेंज हो एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन जाए जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन ओजोन फॉर्मेशन इन द एटमोस्फेयर ठीक है जो नए प्रोडक्ट्स बनेंगे तो हो सकता है कि वो जो नए प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ साथ में हीट निकले लाइट निकले या फिर गैस हो या एबजो हो साउंड प्रोडक्शन भी हो सकता है कभी कभी हाइड्रोजन जो पॉप साउंड के साथ निकलता है स्मेल में भी चेंज हो सकता है कलर भी चेंज हो सकता है तो अगर केमिकल चेंज की बात करें तो जो भी नए सब्सटेंस फॉर्म करेंगे आफ्टर केमिकली रिएक्टिंग अदर हो सकता है वो उसमें हीट हीट रिलीज हो लाइट और गैस हो या एबज हो या साउंड प्रोडक्शन हो सकता है चेंज इन स्मेल हो सकता है या कलर हो सकता है कलर चेंज हो सकता है अब एग्जाम्पल मैंने आपको रस्टिंग ऑफ आयरन दिया जब आयरन को आप एयर में एक्सपोज करोगे ठीक है तो एक ब्राउनिश लेयर को वो फॉर्म करता है इसको रस्ट कहते हैं रस्टिंग तो पता होगा जंग लग गया ठीक है रस्टिंग तो जब आयरन को आप छोड़ते हो किसी आउटर स्पेस में जहां उसको मॉइस्चर वो मिलता है तो एक ब्राउन कलर का रस्ट उस पर रस्ट बन जाता है ठीक है और इस प्रोसेस को हम लोग रस्टिंग कहते हैं मॉइस्ट एयर जो होता है और सॉल्ट वाटर होगा वो रस्टिंग को और बढ़ा देता है मॉइस्टेयर वैसे तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है लेकिन अगर मॉइस्टेयर है ठीक है या सॉल्ट वाटर एयर है मतलब अगर सॉल्ट वाटर है उसमें मिक्स हो रहा है तो रस्टिंग बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है अब रस्टिंग मतलब क्या हुआ मैं उसको इक्वेशन के थ्रू बता देता हूँ क्योंकि ये इक्वेशन दे रखा है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ ठीक है आयरन होगा एफ जब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाते हैं मॉइस्चर भी कुछ आ गया मान लो एच भी है तो यहाँ पर रस्टिंग हो जाएगा क्या हो जाएगा रस्टिंग हो जाएगा अब रस्टिंग जो होता है वहां क्या बनता है आयरन ऑक्साइड सीधी सी बात है एफ ऑक्साइड इसको एफ टू ओ थ्री कह लो आप फेरस ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड ठीक है अगर आप चाहते हो कि रस्टिंग को प्रिवेंट करना ठीक है रस्टिंग को प्रिवेंट करना, करना आप देख सकते हो आपके हर नजदीक चीजों में जो आयरन का बना है रस्टिंग आपको देखने को मिलेगा अगर आपको रस्टिंग को प्रिवेंट करना है तो आप करोगे क्या <coughs> तो बेसिकली जो आर्टिकल हमारा एक्सपोज हो रहा है रस्टिंग हो किस वजह से रहा है ऑक्सीजन मिल रहा है प्लस मॉइस्चर मिल रहा है तो ये एक्सपोज हो रहा है तभी तो इसके साथ मिलके बन रहा है ना हाँ रस्टिंग हो रहा है तो हम लोग उसको प्रिवेंट करेंगे कैसे करेंगे पहले एक काम करते हैं एक जो भी हमारे पास आयरन मटेरियल होगा उसमें सबसे पहले हम लोग ग्रीसिंग कर देंगे ठीक है ग्रीसिंग कर दिए ठीक है ग्रीस कर दो या पेंट कर दो कोई दिक्कत नहीं है फिर हम लोग एक लेयर ऑफ मेटल जैसे क्रोमियम हो सकता है जिंक हो सकता है आयरन हो सकता है क्रोमियम हो जिंक हो या आयरन हो उस पर चढ़ा दें और ये जो प्रोसेस आपने किया अभी डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इसको हम लोग गैलवनाइजेशन कहते हैं गैलवनाइजेशन इज अ प्रोसेस जहां पे हम लोग रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए एक लेयर को उस पर चढ़ाते हैं आयरन पे ठीक है जिंक के लेयर को चढ़ाते हैं आयरन पे तो ये गेल्वनाइजेशन को प्रोटेक्ट करता है ठीक है तो ये हो गया अभी तक जितनी चीजें थी हाँ तो रस्टिंग हम लोगों ने देख लिया किस तरीके से रस्टिंग होता है क्या क्या होता है, क्या -क्या होता है केमिकल चेंज में अब देखिए अब जो ओजोन लेयर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा देर रखा है इसलिए डिस्कस कर लेते हैं ओजोन लेयर जो है ओथ्रीज को कहते हैं ओजोन गैस को ओथ्री कहते हैं ओजोन लेयर जो होता है हमारे एटमोसफेयर में वो हमें प्रोटेक्ट करता है यू वी अल्ट्रावाट रेडिएशन से देखिए यू वी ए बी सी होती है कौन सा हार्मफुल होता है क्या कौन सा नहीं वो हम लोग आगे आने वाले सक्सेडिंग जो भी इन सी आर्टिंग उस पर समझेंगे अच्छे से ठीक है ओजोन जो होता है वो नेचुरली बनता है केमिकल रिएक्शन से इन्वॉल्व करके यू वी रेडिएशन को एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करता है वो ठीक है अब देखिए सीधी सी बात करेंगे अगर हम लोग ओजोन लेयर ना हो ओजोन लेयर ना हो तो क्या होगा तो जो भी यू वी सी होते हैं वो हमारे बॉडी पर पड़ेंगे और वो स्किन कैंसर देते हैं स्किन के लिए वो हार्मफुल होते हैं ठीक है अगर हम लोग किसी भी प्योर सब्सटेंस का लार्ज क्रिस्टल ले लें ठीक है तो तो वो बनेगा कैसे मान लो अगर आप किसी भी चीज़ को कोई भी लिक्विड है उसमें कुछ क्रिस्टल्स हैं उसको आप लोग क्रिस्टलाइज कर दो उसको जमा दो और उसमें से धीरे धीरे बिगर पार्ट निकाल लो तो ये जो पार्ट निकला ना ये जो फॉर्मेशन हुआ क्रिस्टल का तो उसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं ठीक है थेके? ये बेसिक चीजें थी अब देखिए एक रिबन एक्सपेरिमेंट दे रखा है मैग्नीजियम रिबन का बर्निंग ये आपको कौन सा चेंज है बताना है केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है ठीक है अगर आप इसको बर्न करते हो मैग्नीजियम रिबन को बर्न करते हो तो क्या रिएक्शन होता है मैग्नीजियम को आपने लिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न गया तो मैग्नीजियम ऑक्साइड बन गया हुँ? तो बेसिकली आपने जो बना अब एक काम करो तो आपने जो उसको बर्न किया क्या उसको आप रिकवर कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो बिल्कुल नहीं ठीक है तो रिकवर नहीं कर पाओगे तो केमिकल चेंज हो जाएगा तो बेसिक क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को समझ लेते हैं इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जैसे हम लोग सॉल्ट निकालते हैं सी वाटर से कैसे इवोपरेशन ऑफ सी वाटर करके तो वो भी एक क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है लेकिन वहाँ पे क्रिस्टल बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ईजिली मतलब आपको विजिबल नहीं होंगे ठीक है तो अगर आपको बहुत ही ईजली फॉर्म में क्रिस्टल को देखना है तो सबसे पहले आप काम करो कि एक कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर लो और उसमें कुछ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करो ठीक है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जब भी आपको एसिड में वाटर को मिक्स करना है तो आप क्या करोगे वाटर को एसिड में डालोगे या या वाटर में एसिड को डालोगे दोनों में से कमेंट करना और थोड़ा सा इंट्रैक्टिव रखो मैं इसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा ठीक है चलिए तो जब आप डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को लोगे ठीक है ना अब इसको ना आप बॉइल करो ठीक है पानी के साथ जब जब डायल्यूशन होगा इसको बॉयल करो ठीक है बॉयल करते करते आप उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर को स्लोली मिक्स करो और उसको मिलाते रहो ठीक है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को स्लोली मिक्स करो आप देख सकते हो तो धीरे धीरे जब मिक्स हो जाए वो उसके बाद कॉपर सल्फेट ऐड करते रहो जब तक आप उसमें एक इक्विलिब्रियम एक पोजीशन पे ना ला दो उसके बाद क्या होगा आप उसमें मिक्स नहीं कर पाओगे कॉपर सल्फेट को ठीक है सी को फिर क्या होगा उसको कूलिंग करने के लिए छोड़ दो फिर आप सॉल्यूशन को देखोगे ना कुछ समय बाद तो आप, आपको उसमें क्रिस्टल्स दिखेंगे इस तरह के क्रिस्टल्स दिखेंगे यही एक क्रिस्टलाइजन प्रोसेस है ठीक है मतलब कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है तो बेसिक ये था एक चीज़ें और रह जा रही हैं स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील की बात कर लें इसको कैसे बनाते हैं हम लोग आयरन में कार्बन मिक्स है, करते हैं एंड मेटल्स कुछ मिक्स करते हैं जैसे क्रोमियम हो गया निकल हो गया मैंगनीज हो गया ठीक है और ये रस्ट नहीं करता है इसीलिए स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं हम लोग फ्रिक्वेंटली ठीक है फिर से जान लीजिए स्टेनलेस स्टील जो होता है वो आयरन को मिक्स करते हैं कार्बन से और अगर हम लोग कार्बन के कंटेंट को ज़्यादा बढ़ा दें मान लो चार से पाँच परसेंट से ज़्यादा बढ़ा देते हैं ठीक है इतना ही रखते हैं स्टील बनाने के लिए भी और स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए इससे ज़्यादा बढ़ाओगे तो उस आयरन की ब्रिटलनेस बढ़ जाती है ब्रिटलनेस मतलब उसको हाथ से तोड़ सकते हो आप फिर तो फिर इसका कोई यूज़ नहीं हो जाता है? हाँ ठीक है कार्बन मिक्स करेंगे स्ट्रेंथ बढ़ता है ठीक है मेटल कुछ यूज करते हैं क्रोमियम निकल एंड मैगनीज मिक्स करते हैं इससे क्या होता है वो जो आयरन है या स्टील है उसमें रस्टिंग नहीं आती है ठीक है चलिए और भी कुछ चीज़ें वैसे तो और कोई चीज़ें आएंगी नहीं गैबनाइजन हम लोगों ने ऑलरेडी देखा इस चैप्टर में ठीक है चलिए तो ये ध्यान रहना चाहिए और एक चीज़ और सॉल्ट वाटर और उसमें रस्टिंग ज़्यादा होती है मॉइस्चर वाले वाटर में तो ये हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंज हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन ही समझ के चलिए क्लास सेवन की है तो उसी तरीके से पढ़ेंगे है ना फिर आगे मूव करते हैं अब हम लोग मूव करते हैं अपने नए चैप्टर रेस्परेशन इन ऑर्गेनिज्म पे ठीक है एन सी पे एन की ओरिजिनल मतलब जो बेसिक वेबसाइट है उससे मैंने इस पी को डाउनलोड किया है तो अपडेटेड पी है आपके पास जो भी बुक हो उससे आप देख लेना <coughs> तो अगर हम लोग रेस्परेशन इन ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सारे ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं उनको एनर्जी चाहिए फूड से तो एनर्जी चाहिए फूड से तो रेस्पिरेशन चाहिए एनर्जी के लिए ठीक है तो रेस्पायर बहुत ज़रूरी है तो ब्रीदिंग जो है ना वो एक पार्ट है रेस्पिरेशन का ठीक है ब्रीदिंग जो है वो पार्ट है रेस्पिरेशन का ऑक्सीजन जो होता है एयर में वो हेल्प करता है फूड को ब्रेकडाउन करने में ठीक है तो मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको एनर्जी चाहिए उसको ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन चाहिए फूड ब्रेक के लिए फूड चाहिए एनर्जी के लिए तो दोनों इंटर डिपेंडेंट हैं अब अगर ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा सेल में तो एनर्जी रिलीज होगी तो इसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन ठीक है जो कि कहाँ होता है सेल्स में होता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ठीक है अब हम लोग समझते हैं कि आखिर जो रेस्पिरेशन होता है आखिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो हमें जरूरत क्यों है तो बेसिकली जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं छोटे हों माइक्रोस्कोपिक हों छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं हर एक सेल में आपको कुछ फंक्शन चाहिए जैसे कि न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट एक्सक्रेशन एंड रिप्रोडक्शन ठीक है ठीक है तो हर एक बॉडी में हर एक लिविंग बिंग में ये चाहिए तो इसके लिए रेस्पिरेशन आपको रिक्वायर्ड है अब इस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल को चाहिए एनर्जी ठीक है फूड आपने जो लिया उसमें एनर्जी स्टोर थी जो कि रिलीज होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान अगर एस्पिरेशन की बात कर ले तो आप इनहेल करते हो एयर जो एयर आपने इनहेल किया वो ट्रांसपोर्ट होती है ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी और बाद में आखिरकार वो रीच करती है हर एक सेल पे। सेल के अंदर ऑक्सीजन जो एयर में है वो हेल्प करता है फूड को ब्रेकडाउन करने में और ये जो प्रोसेस होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन सेल विच इन टर्न्स रिलीज द एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन जो मैंने अभी आपको बताया ऑलरेडी ठीक है अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की तो दो हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों को समझते हैं अगर हम लोग सेल की बात करें तो जो फूड होता है ग्लूकोज कह लीजिए वो वो टूटता है और एनर्जी रिलीज होती है तो यूज ऑफ ऑक्सीजन किस तरीके से सेल करता है तो यूज ऑफ ऑक्सीजन पर रेस्पिरेशन को दो भाग में बांटा गया है रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन एक होता है एनरोबिक रेस्पिरेशन अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर लें तो उसमें क्या होता है जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है ना वहां पे वो ऑक्सीजन का यूज करता है एरोबिक मीनस विथ एयर ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एंड वाटर भी उसके साथ साथ रिलीज होती है एंड साथ में ही एनर्जी हमें मिलती है तो ग्लूकोज टूटती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सी टू मिलता है वाटर रिलीज होती है एनर्जी मिलती है ठीक है ये बेसिक हो गया एरोबिक रिएक्शन का इक्वेशन आप समझ सकते हो ध्यान रखना क्योंकि आप इसको यूज करके दिमाग में आपके रहेगा कि आखिर क्या हो रहा है रेस्पिरेशन में किस तरीके सेल यूज कर रहा है क्या क्या रिलीज हो रहा है ठीक है अब अगर हम लोग एनारोबिक रेस्परेशन की बात कर लें तो इसमें क्या होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो होगा लेकिन यहां पे ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं करेंगे हम ठीक है जहां पे हम लोग ऑक्सीजन का यूज नहीं करेंगे ठीक है ना इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन ठीक है तो बेसिकली अगर एनारोबिक रेस्परेशन की बात करें ग्लूकोज टूटता है अल्कोहल में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में फिर उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है आप देख लो अगर हम लोग एनारोबिक रिएक्शन की बात करें एनारोबिक एनारोबिक रिएक्शन की बात कर लें जहाँ पे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम लोग बात करेंगे वहाँ पे क्या क्या होता है वहाँ पे पहले ग्लूकोज बनी ग्लूकोज टूटती है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसके बाद ऑल्कोहल का फॉर्मेशन होगा सी ओ टू रिलीज होगा और साथ में एनर्जी रिलीज होगा ठीक है अल्कोहल प्लस सीओ टू प्लस एनर्जी क्लियर है तो इतनी चीजें आपको जाननी चाहिए तो ये बेसिक एरोबिक एनारोबिक रिएक्शन हो गया कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं आप चलिए तो कुछ थोड़ा सा बात करते हैं अलग तरीके से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जहां पे आपको देखा जाएगा कि जहां पे आपको वो बिना एयर के भी सरवाइव कर जाएंगे और बिना एयर के भी उनको एनर्जी मिलती है तो वो कौन सा है वही तो मैंने आपको बताया एनोरोब्स कहते हैं उस उस ऑर्गेनिज्म को और ये एनारोबिक रिएक्शन करते हैं जैसे यीस्ट हो गया क्लियर है इतना तो आप, आप समझ गए कि आखिर एनारोबिक एरोबिक रिएक्शन क्या होता है अगर आप जब हेवी एक्सरसाइज करोगे जैसे देख लो ये भाई साहब भाग दौड़ रहे हैं। हेवी एक्सरसाइज करोगे तो उस वक्त क्या होता है जैसे आप हेवी एक्सरसाइज कर रहे हो जैसे फास्ट रनिंग हो गया तो एनर्जी डिमांड आपके बॉडी की बढ़ जाती है इनकी एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है ठीक है लेकिन क्या होता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ना वो लिमिटेड होता है ओ जो होता है वो लिमिटेड होता है आपको पता ही है सप्लाई तो लिमिटेड ही होगा अब अगर आपकी एनर्जी डिमांड बढ़ जा रही है और सप्लाई आपकी लिमिटेड है तो एनर्जी लिमिटेड हो जाएगी तो वहां पे क्या होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन यहां भी टेक प्लेस होता है ठीक है ना मसल सेल में होता है जो एनर्जी डिमांड को पूरा करेगा क्लियर है अब चलिए एक चीज समझते हैं आपने हेवी एक्सरसाइज रन किया तो आप एनारोबिक भी परफॉर्म करने लगोगे अब आपके जो जो मसल्स में ग्लूकोज है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या रिलीज करता है लैक्टिक एसिड रिलीज करता है और एनर्जी तो रिलीज होगी ही क्योंकि एनर्जी कॉम्पनसेट करना है लैक्टिक एसिड भी रिलीज करता है इसीलिए आपकी बॉडी पेन करती है जब आप जिम करोगे तो आप देखोगे ना घर जब आते हो नए नए वाले आदमी जो दिन जो महीने में एक बार जाते हैं जिम तो जब वो रिटर्न आते हैं तो उनकी बॉडी पेन करती है वो रीजन यही है एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है उनकी बॉडी में इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज जो होता है मसल्स में वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है और एनर्जी रिलीज होती है ठीक है ये बेसिक चीजें हैं ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा चलिए अब क्या होता है पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है और जो लैक्टिक एसिड है जो हमारे मसल्स के अंदर एक्यूमलेट हो जाए ना वही देती है हमें क्रैम्प्स आप देखे होंगे वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा था तो बहुत सारे क्रैम्प्स हो रहे थे प्लेयर्स को ठीक है तो वो एक्सेसिव एनोरोबिक रेस्परेशन हो जा रहा था वहाँ क्योंकि उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ जा रही थी ठीक है मैं रिजवान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूँ क्योंकि रिजवान तो एक्टिंग कर रहे थे ठीक है चलिए तो so, क्रैम्प्स हो जाता है अगर आप हॉट वाटर बाथ और मसाज जो होता है वो ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है इसके रिजल्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई मसल्स को इंक्रीज हो जाती है और अगर ऑक्सीजन सप्लाई मसल्स में इंक्रीज हो गई तो लैक्टिक एसिड का ब्रेक डाउन हो जाता है और ये सी ओ टू इन टू सी ओ टू में ब्रेक हो जाता है जिससे क्रैम्प ठीक हो जाता है तो क्रैम्प का पूरा फिनोमेना आपको समझ में आ गया होगा आई होप ठीक है अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्रीदिंग की देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन कब परफॉर्म होता है बॉडी में ये आपको समझ में आ गया होगा क्लियर है अब बात करते हैं ब्रीदिंग आखिर होता क्या है ब्रीदिंग जो है उसका मतलब होता है आप एयर ले रहे हैं एयर ले रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन रीच है और सी रिलीज कर रहे हैं आप इंटेक कर रहे हो एयर और रिलीज कर रहे हो सी ठीक है ये हो गया आपको ब्रीदिंग बेसिकली ये सारे प्रोसेस में आपको मदद कौन कर रहा है तो ब्रीदिंग ऑर्गन्स जो हमारे ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं वो हमको मदद करते हैं कि आप ऑक्सीजन लो ऑक्सीजन लो बाहर से और सी रिलीज करो जब आप ऑक्सीजन रिच एयर एयर में जो ऑक्सीजन रिच है वो आप ले रहे हो बॉडी में उसको इन्हेलेशन कहते हैं इन्हेल कर रहे हो आप ठीक है बॉडी में एयर को इन्हेल कर रहे हो और जो आप बाहर जो एयर रिलीज कर रहे हो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच है उसको एक्सेलेशन कहते हैं इनहेल एक्सेल कहते हैं ना बचपन से सुनते आ रहे हैं इसमें तो बहुत ज़्यादा रिसर्च की जरूरत नहीं है आई थिंक ठीक है ये तो बेसिक चीज़ें हो गई अब देखते हैं आगे और क्या है ब्रीदिंग रेट क्या होता है अब हम लोग बात करेंगे ब्रीदिंग रेट के बारे में ठीक है सीधी सी बात है द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीद्स इन अ मिनट इज टर्नड एड ब्रीदिंग रेट ठीक है आप ब्रीदिंग क्या करते हो इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन करते हो ऑल्टरनेटिवली एक ब्रीथ का मतलब क्या होगा वन इन्हेशन एंड वन एक्सलेशन ठीक है तो ये बात का आपको ध्यान रखना है चलिए तो हम लोगों ने देख लिया ब्रीदिंग रेट को भी अब ब्रीथ का मतलब भी समझ के जब भी कोई पर्सन को एक कोई को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ना अगर उस उसकी बॉडी को रिक्वायर्ड है कोई एक्स्ट्रा एनर्जी तो वो फास्टर ब्रीथ करेगा वेन एवर यू रिक्वायर्ड एनी एक्स्ट्रा एनर्जी तो आप फास्टर ब्रीथ करोगे ठीक है इसमें क्या होता है ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होता है हमारे सेल्स को और ये जो ब्रेकडाउन का प्रोसेस है एनर्जी का वो ज्यादा तेजी से होता है और एनर्जी रिलीज तेजी से होता है अगर हम लोग ऑन एन एवरेज बात करें एक अडल्ट ह्यूमन बींग जो है वो जब वो रेस्ट पोजिशन पर है मतलब वो रेस्ट कर रहा है तो वो ब्रीथ करता है लगभग 15 टू 18 टाइम्स अ मिनट अगर वो रेस्टिंग पोजीशन पे है ठीक है सो रहा है मान लो या आराम कर रहा है 18 टू 18 टाइम्स आपको इन अ मिनट ठीक है अगर वो हेवी एक्सरसाइज कर रहा है तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है लगभग 25 टाइम्स पर मिनट हो जाता है ठीक है अगर हम लोग अब बात करें ब्रीदिंग्स इन ह्यूमन के बारे में ठीक है चलिए बेसिक अगर हम लोग समझते हैं ब्रीदिंग इन ह्यूमेंस के बारे में तो एयर जो होता है उसको हम लोग लेते हैं थ्रू आवर नोस्ट्रल्स ठीक है नोस्ट्रल्स के थ्रू लेंगे देन अगर हम लोग बात करें तो वो पास करता है आपको नेजल कैबिटी से नेजल पैसेज से ठीक है नेजल कैविटी से वो जो एयर होता है वो लंग्स की तरफ बढ़ता है थ्रू विंड पाइप ठीक है थ्रू विंड पाइप बढ़ता है क्लियर है लंग्स जो होता है वो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है ये जो लंग्स है ये ये चेस्ट कैविटी ये जो कैविटी है रिब्स के अंदर चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है ये याद रखिएगा जो कैविटी होता है वो सराउंडेड होता है रिब्स से दोनों साइड में ये जो रिब्स है दोनों साइड से रिब्स में वो सराउंडेड होता है ठीक है रिप्स की बात कर ले बेसिकली इसको मैकेनिकल सपोर्ट पहुंचाता है और एक तरीके से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के फोर्स से ही बचाता है ठीक है एक नीचे मस्क्यूलर सीट होता है इसको डायफ्राम कहते हैं ठीक है जो डायफ्राम होता है ठीक है ना वो बेसिकली तो ये डायफ्राम के बारे में हम लोगों ने जान लिया अब अगर डायफ्राम के बारे में जाने और चीज़ तो डायफ्राम जो होता है ना अगर ब्रीदिंग की बात करें तो ये इन्वॉल्व करता है मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड द केज ठीक है मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड केज इसकी ऐसे और इस तरीके से मोशन होती है ये अप और डाउन ठीक है एयर कैविटी अगर एयर को हम लोग इन्ेल करें तो एयर कैविटी बड़ी हो जाती है जिससे डायफ्राम नीचे की तरफ शिफ्ट करता है फिर अगर एयर कैविटी हम लोग बाहर एक्जेल करते हैं तो एयर कैविटी छोटा हो जाता है जिसकी वजह से डायफ्राम ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है ठीक है अगर इनहेलेशन की बात करें रिव्स मूव अपवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स डाउन ठीक है चलिए अब अगर हम लोग बात करें एक्सलेशन की जैसे मैंने आपको बताया एक्जलेशन रिप्स जो होता है वो डाउन की तरह मूव करता है और इनवर्ड मूव करता है जबकि डायफ्राम क्या होता है अप मूव करता है अपने पुराने पोजिशन से ठीक है चलिए तो ये रिप्स हो गए ये लंग्स हो गया ट्रैकिया तो फ्रेंडनेक्स हम लोगों ने देखा वॉइस बॉक्स फिर ओरल कैविटी इसको कहते हैं नेजल पैसेज इसको कहते हैं ठीक है चलिए अगर हम लोग और देखें तो अब देखिए जैसे स्टैंडर्ड रेंज होगा हम लोग का उसमें हम लोग इसके डिफरेंट डिफरेंट डिफरें मैकेनिज्म को समझेंगे एल को समझेंगे किस तरीके से एयर एक्सचेंज होता है किस तरीके से किस तरीके से हर्ट और जो लंग्स है उसका उसका फंक्शन क्या क्या होता है ये सब चीज़ें समझेंगे लेकिन क्लास सेवन के व्यू से इतना ही जानना है हमें ठीक है और पेशेंस रखिएगा आगे हम लोग इसी तरीके से और इसको अच्छे तरीके से समझेंगे ठीक है चलिए अब हम लोग बात करते हैं ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स और डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरीके से ब्रीद करते हैं क्लियर है कुछ एनिमल्स जैसे एलिफेंट हो गए काउज हो गए स्नेक्स हो गए उनके पास लंग्स होता है उनके चेस्ट कैविटीज़ होती है जैसे कि ह्यूमन बींग की होती है अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कॉकरोज होते हैं फिस होते हैं अर्थवर्म होते हैं ये सब इनके पास डिस्टिंक्ट ब्रीदिंग मैकेनिज्म होता है चलिए अब सबसे पहले जान लेते हैं काक्रोचेज की ठीक है कॉकरोच की बात कर लें उनकी एक स्मॉल ओपनिंग होती है ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी कॉल स्पायरकल्स ठीक है स्पायरकल्स होती है आप देख सकते हो तो जो ओपनिंग होती है ना स्पायरक टाइप की वो उससे ब्रीद करते हैं क्लियर है कुछ अदर इंसेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं उनके उनकी भी सिमिलर ओपनिंग्स होती है इंसेक्ट के पास एक नेटवर्क होता है एयर ट्यूब्स का जिसको ट्रैकिया कहते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए ऑक्सीजन रिच एयर जो होता है वो रस करता है उनके स्पायरकल से थ्रू द ट्रैकियल ट्यूब और फिर वो डिफ्यूज करता है बॉडी के टिशू में और उसी तरीके से डिफ्यूज करने के बाद सेम मैकेनिज्म सेल के हर एक पार्ट में पहुंचता है हर एक बॉडी पार्ट में पहुंचता है सीओ जो सेल से बाहर निकलता है वो ट्रैकियल ट्यूब से मुफ्स होते हुए स्पाइरकल से निकल जाता है ठीक है तो आप देख सकते हो चलिए ये हो गया आपको ट्रैकियल सिस्टम ऑफ ए कॉकरोच। क्लियर है चलिए अब आगे मूव करते हैं जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स बने होते हैं जिसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं ठीक है थीके? ट्रैकिया कहते हैं जो गैसियस एक्सचेंज के लिए बने होते हैं ठीक है थीके? जिस तरह एलव्यूलाई होता है ह्यूमन में ये इस तरीके का स्ट्रक्चर उसी तरीके से इंसेक्ट्स में ट्रैकिया होते हैं ठीक है एल्वलाई के बारे में हम लोग बहुत आराम से पढ़ेंगे बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले क्लासेस में ठीक है चलिए तो ये हो गया हमारा बेसिक कैसे इंसेक्ट्स ब्रीथ करते हैं ट्रैक्यल सिस्टम से अगर हम लोग बात करें अर्थवर्म की तो अर्थवर्म ब्रीथ करते हैं उनके स्किन से ठीक है ये क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए मैं इसमें जो भी है इंफॉर्मेशन वो मैं आपको दे दे रहा हूं ठीक है ना जो स्किन होता है अथवा का वो बेसिकली मॉइस्ट और स्लिमी फील होता है टचिंग टच टच्च पे ये तो आप लोग देखे होंगे गैसेस जो होते हैं वो इजीली पास हो जाते हैं उनसे थ्रू अगर हम लोग फ्रॉग्स की बात करें तो उनके पास पेयर ऑफ लंग्स होता है जैसे कि ह्यूमन बींग्स का होता है वो वैसे ही सिमिलर मैनर में ब्रीथ करते हैं और एक और चीज याद रखिएगा वो स्किन से भी ब्रीथ करते हैं ठीक है ठीक है चलिए अब अगर फीस की बात कर लें तो फीस आपको पता है वो बेसिकली जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है वाटर में ठीक है डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं और वो बेसिकली जो ब्रीथ करते हैं वो गिल्स से करते हैं गिल्स जो होता है वो प्रोजेक्शंस होता है स्किन पे ठीक है वे काफ़ी ज़्यादा वेल well सप्लाइड होता है ब्लड वेसल से वो ईजिली एक्सचेंज कर लेता है ऑक्सीजन और गैसेस को ठीक है अब अगर हम लोग बात करें प्लांट्स में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है इसको समझते हैं हाउ डू प्लांट रेस्पायर तो बेसिकली इच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट सीओ टू ठीक है रूट्स जो है वो एयर लेती है फ्रॉम एयर स्पेसिस जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल पार्टिकल में एक एक सुनिए हर हर पार्ट का अलग होता है ठीक है तो सॉइल पार्टिकल्स में जो स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं ठीक है देखिए ये स्पेसेस जो प्रेजेंट है उनमें जो एयर अवेलेबल होते हैं उससे वो लोग उससे रूट्स लेते हैं ठीक है ये रूट हेयर हो गया ये पूरा ठीक है ये रूट हेयर्स हो गए और ये जो एयर सॉइल में जो एयर गैप्स हैं उससे एयर्स को कलेक्ट करते हैं रूट तो रूट्स एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम दॉयल क्लियर है तो ये ध्यान रखना चाहिए लिप्स की बात कर लें ले। उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम लोग इस कहते हैं जिससे वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं ठीक है जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है प्लांट सेल में या जैसा हम लोगों में लिविंग विंग्स में होता है उसी तरीके से होता है ठीक है तो ये प्लांट का हो गया तो आप लोगों ने एरोबिक रेस्परेशन देखा एनारोबिक ब्रीदिंग रेट देखा सेलुलर रेस्परेशन डायफ्राम एक्सलेशन एक्सहेलेशन गिल्स लंग्स इनहेलेशन स्पाइरगल्स ट्रैकिया एंड रिब्स ये देख लिया कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ लेते हैं येस्ट yes, जो होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पायर करते हैं एनारोबिकली ठीक है एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस वो अल्कोहल बनाते हैं इसीलिए फर्मेंटेशन में हम लोग यूज करते हैं वाइन मेकिंग में बियर मेकिंग में येस्ट का ठीक है जो रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग होता है जैसे प्राणायाम हो गया वो ईजिली वो हमारे कैपेसिटी को इंक्रीज करता है हमारे लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एयर को ले सकते हो ठीक है सो अगर मोर ऑक्सीजन कैन सप्लाई इन द बॉडी सेल तो उससे क्या होता है ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा हमारे बॉडी सेल में तो प्राणायाम बहुत ही सुंदर चीज़ है आपको करनी चाहिए ठीक है अगर हम लोग एक चीज़ एक ब्लॉक छूट जा रहा है शायद एक बॉक्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉक्स है इससे मैंने क्वेश्चन देखा है बहुत सारे स्टेट पीसीएस में देखिए कह रहा है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड सी इन इनहेल्ड एंड एक्सेल्ड एयर जब आप सांस लेते हो जब सांस खींचते हो और सांस छोड़ते हो तो कितनी ज्यादा ऑक्सीजन एंटर करती है कितना सी ओ टू इंटर करती है और कितना जब एक्सेल करते हो तो कितना ज़्यादा निकलता है तो इनहेलिंग पॉइंट बता देता हूं आपको इक्कीस परसेंट ऑक्सीजन आपके अंदर आती है और जीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंट सी ओ टू आपके बॉडी में आती है ठीक है एक्सेल करते हो तो सिक्सटीन पॉइंट फोर परसेंट ऑक्सीजन बाहर जाती है एंड फोर पॉइंट फोर परसेंट सी ओ टू बाहर जाती है तो आप याद रखना ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के परस्पेक्ट से ठीक है चलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है कि ये जो ये जो बॉक्स बताया मैंने वो मतलब ऐसे ही कोई डाटा था डाटा नहीं है आपको ध्यान रखना चाहिए इक्कीस परसेंट ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हो जीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड को आप इहील करते हो जब एक्सेल कर रहे हो तो सिक्सटीन पॉइंट फोर परसेंट ऑक्सीजन आप देखिए इक्कीस माइनस सिक्सटीन पॉइंट फोर ठीक है लगभग थ्री पॉइंट सिक्स ठीक है तो वो कहाँ गया वो हमारे बॉडी में चला गया बॉडी में किस लिए गया एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी करेंसी बनाना है हमें वो तो हमारे अंदर ऑक्सीजन हेल्प करता है ऑक्सीजन जाता है तभी तो वो बनता है ना ठीक है तो ये हो गया हमारा आज का ये वाला चैप्टर इसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए इसके जो एक होते हैं वो, वो आप देख लेना एन बुक नहीं भी लोगे तो चलेगा आप जैसे मैं बता दे रहा हूँ लाइन बाई लाइन तो आपको लेने की भी जरूरत नहीं है हाँ अगर आपको मेरा कंटेंट सही लग रहा है अगर आप अभी तक देखे हो इस वीडियो को मतलब आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि मैं और ज़्यादा बना सकूँ देखो मेरा मेरे मूड में तो है कि मैं पूरी की पूरी एनसीईआरटी डाल दूँ ठीक है हिस्ट्री डाल दो पॉलिटी डाल दो इकॉनॉमी डाल दो फिर उसका सारा इन्वायरमेंट डाल दो सारा डाल दो लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा मैं इसमें सक्सीड कर पाऊंगा ठीक है थैंक यू तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर सेवन ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन कहने का मतलब ये हुआ कि आपने जो भी न्यूट्रिएंट्स लिया उसको बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में पहुंचाना है अब अगर मान लो आपने खाया किसी चीज को और आपके स्टमक में रह गया स्टमक में तो क्या वो वेस्ट ही हो जाएगा ना वो डायरेक्टली वेस्ट की तरह निकल जाएगा अगर वो पूरे बॉडी में उसके कॉम्पोनेंट्स नहीं जाते हैं तो ठीक है तो फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू की तो कोई कोई वो कोई डायरेक्शन नहीं है दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी फिकल मटेरियल हैं जो कि वेस्ट हैं आपके बॉडी में वो भी बाहर निकलना चाहिए तो वो भी एक ट्रांसपोर्टेशन है तो ट्रांसपोर्ट करना है चीज़ों का कंपोनेंट का वाटर का मिनरल का तो देखते हैं तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फूड चाहिए वाटर चाहिए ऑक्सीजन चाहिए उनके सर्वाइवल के लिए और उनको इन चीजों को ट्रांसपोर्ट करना है वेरियस पार्ट ऑफ उनके बॉडी में इसके साथ साथ उनको जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करना होगा एक जगह से दूसरी जगह ठीक है ये तो बेसिक चीजें समझ में आ गई तो जो भी चीज़ें को ट्रांसपोर्ट करनी है ना उसमें चीजों का रिक्वायरमेंट होता है जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन होता है जैसे ब्लड होता है वो एक मोड होता है ट्रांसपोर्टेशन का तो हम लोग सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन की बात करते हैं सबसे इसेंशियल कॉम्पोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम इन्यूमेन आर कौन कौन सा चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इसेंशियल है ब्लड ब्लड वेसल एंड हार्ट ब्लड ब्लड वेसल्स एंड हार्ट ठीक है तो ये चीज़ें रिक्वायरमेंट है सबसे बेसिक फंडामेंटल है ब्लड की बात कर ले सबसे पहले अगर ब्लड की बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड की बात करें तो ब्लड जो है वो आपको फ्लूड है जो फ्लो करता है ब्लड वेसल में और इसमें होता क्या क्या है इसमें होता है प्लाज्मा रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल ठीक है प्लाज्मा आरबीसी एंड डब्ल्यू बी सी इसके साथ साथ प्लेटलेट्स होता है तो क्या क्या होता है ब्लड का कॉम्पोनेंट प्लाज्मा ठीक है फिर होता है आर बी सी देन होता है डब्ल्यू बी सी देन होता है प्लेटलेट्स ठीक है ये ब्लड की कॉम्पोनेंट है जैसे से हम लोग आगे पढ़ेंगे ना वैसे अगर मतलब टेंथ नाइन्थ टेंथ में जाएंगे तो हम लोग इसकी कॉम्पोनेंट पढ़ेंगे ये कितना परसेंट होता है ये थीकर क्यों होता है मैं चाहूँ तो उसको इंट्रोड्यूस कर दूँ यहाँ पे लेकिन वो फिर से रीविजिट हो जाएगा री रिपीट हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं बनता है ठीक है जिस स्टैंडर्ड की बुक है उसकी उसी स्टैंडर्ड के व्यू से पढ़ेंगे तो ब्लड के बारे में हो गया बेसिकली ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड जो है वो फ्लूड है जो फ्लो करता है ब्लड वेसल में या ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड कहाँ से लेता है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी और ऑक्सीजन कैरी करता है फ्रॉम लंग से टू द सेल ऑफ द बॉडी ठीक है चलिए और भी क्या है इसका काम है ये वेस्ट रिमूवल रिमूवल को भी का भी काम करता है ठीक है ना तो ब्लड जो होता है वो किस किस फ्लूड से बना होता है प्लाज्मा से और बहुत सारे सेल्स भी इसमें सस्पेंडेड होते हैं जैसे डब्लू प्लस आर और एक प्लेटलेट्स तो होता ही है क्लियर हो गया चलिए ब्लड जो होता है वो प्लाज्मा फ्लूड से बना होता है आपको पता है एक टाइप ऑफ जो सेल होता है वो आरबीसी होता है उसमें जो कि रेड पिगमेंट कंसिस्ट करता है उसको हेमोग्लोबिन कहते हैं आरबीसी में जो रेड पिगमेंट होता है उसको हेमोग्लोबिन कहते हैं ठीक है हेमोग्लोबिन ठीक है, है? चलिए हेमोग्लोबिन क्या करता है बेसिकली बाइंड करता है बाइंड होता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या क्या हो गए डब्लू बी सी आर बी सी एंड प्लेटलेट्स ठीक है अब देखिए आर बी सी में जो होता है ना एक रेड पिगमेंट पाया जाता है इसको हेमोग्लोबिन कहते हैं हेमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में अल्टीमेटली जितने भी हमारे सेल हैं उसमें ठीक है चलिए मैं आपको एक एक इंसिडेंट बताता हूँ ठीक है चलिए मान लीजिए कहते हैं ना ठंड में आपको रूम हीटर यूज़ नहीं करना चाहिए रूम हीटर क्लोज्ड रूम में नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए देखिए जो ऑक्सीजन होता है ना वो अगर बर्न होता है ऑक्सीजन अगर बर्न होता है और ऑक्सीजन की डिफिशेंसी हो जाती है रूम में तो क्या होता है ना कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना वो उसकी पोटेंशियल उसकी पोटेंशियल ऑक्सीजन से काफ़ी ज्यादा होती है हेमोग्लोबिन में मिलने की लगभग 200 गुना इसकी पोटेंशियल ज़्यादा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड हैज़ हायर पोटेंशियल देन द ऑफ डिसोल्यूशन इन द ब्लड देन द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर तो यहाँ क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा वो कूद के और हेमोग्लोबिन को लेगा भैया मैं आ गया हूँ ओ भाई को निकालो बाहर क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा डिसोसिएट करता हूँ आपसे ज़्यादा एसोसिएट करता हूँ सॉरी तो आपसे ज़्यादा एसोसिएट करता हूँ तो इसको भगाइए तो ओ को बाहर भगा देंगे और ब्लड में सी कार्बन मोनोऑक्साइड भरने लगेगा इससे क्या होगा हमारे बॉडी में सी जो कि एक पॉइजनस गैस है वो ज़्यादा मिलने लगेगा और ऑक्सीजन की डिफिसिट हो जाएगी और हमारी डेथ हो जाएगी हमारी ऐसा बहुत जगह होता है ऐसा हुआ है और ऐसा होता रहेगा अगर आप रूम हीटर को ठंडे के समय में चला के सो जाओगे वो भी क्लोज रूम में तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस बेसिक साइंस बिहाइंड दिस इज़ दैट कार्बन मोनोऑक्साइड का जो पोटेंशियल होता है वो 200 से 300 टाइम्स ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन अच्छा जो हेमोग्लोबिन होता है ना वही उसकी वजह से जो ब्लड का ब्लड की जो कलर होती है वो रेड होती है ठीक है ब्लड के रेड होने का रीज़न हेमोग्लोबिन है ये भी पता होना चाहिए दूसरी चीज़ है आयरन की डिफिशेंसी हो जाए आयरन की डिफिशेंसी हो जाए तो हेमोग्लोबिन बॉडी में कम हो जाता है ये जब बहुत ज़्यादा आपको वुमेन के केस में देखने को मिलेगा ठीक है ना क्योंकि ब्लड लॉस उनका ज़्यादा होता है ठीक है चलिए अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरे कॉम्पोनेंट की ब्लड में वाइट ब्लड सेल कहते हैं उसको वाइट ब्लड सेल की बात करें तो ये हमारे बॉडी का सोल्जर होता है मतलब जो फाइट करता है डिफरेंट जर्म्स में कि वो इंटर ना करें हमारे बॉडी में तो डब्ल्यू आपके बॉडी का हीरो है याद रखिएगा वाइट ब्लड सेल क्लियर है चलिए अगर हमारे बॉडी में इंजरी हो जाए कहीं से तो हमारा जो ब्लड होता है वो फ्लो करने लगेगा बट समय के साथ वो क्लॉट हो जाता है वो जम जाता है इसका रीज़न क्या है इसका रीज़न है कि ब्लड में एक अनदर टाइप का सेल प्रेजेंट होता है उसको हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं हालांकि हम लोग और इन चीज़ों को एक्सटर्नल में समझेंगे कि एक बाहर में क्या होता है फिर अंदर से जमने में क्या फाइब्रियोजीन होता है बाहर में आपको विटामिन के की ज़रूरत होती है ये सारी चीज़ों को समझेंगे लेकिन इन डिटेल अलग कॉम्पोनेंट में ठीक है तो अभी इतना ही समझना है उसके बाद हम लोग बात करें ब्लड वेसल्स की तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देख लिया वो देख लेते हैं आर देख लिया हेमोग्लोबिन को देख लिया व्हाइट ब्लड सेल देख लिया ठीक है प्लेटलेट्स को समझ लिया इतना बेसिक हो गया बेसिक्स को आराम से धीरे धीरे स्ट्रांग करना है आप आराम आराम से स्ट्रांग करो देखो आपके सारे एग्जाम निकलने वाले हैं आप एन पे कमांड कर लो ठीक है एन पे कमांड कर लो और क्वेश्चन जम के लगा लो ठीक है आपका एग्जाम निकलेगा चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम है ठीक है चलिए अब हम लोग मूव करते हैं ब्लड वैसल्स की तरफ ठीक है ब्लड वैसल्स को समझते हैं आराम आराम से देखिए ब्लड वैसेल्स क्या होता है कुछ नहीं है ये ट्यूब सेप का होता है ब्लड वेसल ट्यूब होता है ब्लड वेसल्स आर लाइक ट्यूब्स इन आवर बॉडी जिसमें से ब्लड फ्लो करता है ठीक है जिसमें से ब्लड फ्लो करेगा सबसे पहले दो तरीके का ब्लड वेसल्स होता है हमारे बॉडी में एक होता है आर्टरीज एक होता है वेंस ठीक है पहले एक नजर डाल लेते हैं फिगर पे फिर बात करेंगे देखिए जो रेड कलर का है वो आर्टरीज है जो ब्लू है वो वेन है ठीक है, है जो रेड है वो आर्टरी है जो ब्लू है वो वेन है अब आप आराम से देख लो ठीक है रेड जो है वो आर्टरीज है आप देख सकते हो और जो ब्लू है वो वेन है ठीक है वेन और जो रेड है वो आर्टरीज है ठीक है तो बेसिकली ये पैसेज होता है जो कैरी आउट करता है ब्लड को ठीक है अगर हम लोग बात करें आर्टरीज की तो आर्टरीज क्या करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड को हर्ट से हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में स्प्रे करता है पहुंचाता है मतलब हर्ट से ऑक्सीजन रिच, रिच ब्लड को ऑक्सीजन रीच ब्लड को उठाता है और उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचाता है अब आर्टरीज जो होगा उसमें जो ब्लड फ्लो होगा वो रैपिड होगा और हाई प्रेशर में होगा रैपिड और हाई प्रेशर में होने की वजह से आप कह सकते हो कि आर्टरीज के पास थिक इलास्टिक वॉल्स हैं देखिए जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ना डायरेक्ट क्वेश्चन है आर्टरीज जो है वो थिक एंड इलास्टिक वॉल्स ठीक है वॉल्स मतलब उसकी जो जो थिकनेस होगी ना वो ज़्यादा होगा ये थिकनेस जो होगा वो ज़्यादा होगा आर्टरीज़ का तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो फ्लो ज़्यादा होगा ठीक है अगर मान लो कोई एक ये पाइप है और ये ये पाइप वन पाइप टू है किस में प्रेशर ज़्यादा होगा पाइप वन में प्रेशर ज़्यादा होगा हो उसकी वॉल थिकनेस ज़्यादा है क्लियर है तो आर्टरी जो होता है वो आपको हाई ब्लड प्रेशर उसमें दिखता है और आर्टरी जो होता है उसके वॉल जो होते हैं थिक होते हैं अब हम लोग बात कर लेते हैं वैन की वैन जो इसमें ब्लू कलर से दिख रहा है आपको सारा वैन की बात कर ले तो वैन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को इम्प्योर ब्लड कह सकते हो आप ठीक है ना उसको कैरी आउट करते हैं उसको कैरी आउट करता है पूरे बॉडी में से जो भी ब्लड यूज हो गया उसको ला करके हर्ट के पास रख देता है ठीक है ना हर्ट के पास दे देता है और जो वेन होते हैं उनके वॉल थीन होते हैं ठीक है ठीके? इसमें प्रेशर कम होता है इसमें जो वल्स प्रेजेंट होते हैं वेन्स में वो ब्लड को अलाउ करते हैं कि वो हर्ट की तरफ ही जाए यूनिट रेक्स सिर्फ हर्ट की तरफ ही जाए मतलब सी ओ टू मिक्स जो ब्लड है जो इम्प्योर ब्लड हो गया उसको हमको हर्ट तक पहुँचाना है ठीक है उसको हमको हर्ट तक पहुँचाना है हर्ट फिर उसको पंप करेगा वो हम लोग बाद में देखने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के फॉर्म में ठीक है क्लियर है चलिए अगर हम लोग आर्टरीज की बात कर ले तो स्मॉलर वेसल्स में डिवाइडेड होता है और जब वो टीशू के पास पहुंचता है ना तो फर्दर बहुत ज़्यादा थीन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है जैसे मान लो आर्टरीज यहाँ से पहुँचा है यहाँ पर ठीक है और यहाँ पर जाके बहुत सारे पतले पतले ट्यूब्स में बदल जाएगा ये जो आप देख रहे हो ठीक है तो इसको क्या कहते हैं ये जो थीम ट्यूब्स बदलते हैं ना उसको कैपिलरीज कहते हैं कैपिलरीज अब देखो इतना आसान से बता दे रहा हूँ उसको ज़्यादा परेशानी लेने की जरूरत नहीं है वो कैपिलरीज हो जाएगी ठीक है जो कैपिलरीज होते हैं वो ज्वाइन करते हैं वेन बनाते हैं साथ में और उसको हर्ट में एम्प्टी करते हैं अपने आप को जो उसके अंदर ब्लड होता है ठीक है ये बेसिक चीज़ें हैं चलिए एक होता है थ्रॉबिंग मूवमेंट मैं आपको और उसी में ले जाता हूँ तो आर्टरीज हो गया वेंस हो गया ठीक है किस तरीके से कौन ऑक्सीजन रीच रीच ब्लड ले जाता है कौन डिफरेंट ब्लड ले जाता है ठीक है अब हम लोग बात करते हैं थ्रॉबिंग मूवमेंट की ठीक है थ्रॉबिंग मूवमेंट क्या होता है इन वेसल्स इज कॉल्ड द पल्स ठीक है ना थ्रोबिंग मूवमेंट जो वेसल्स में होता है उसको हम लोग पल्स कहते हैं ठीक है पल्स ठीक है? है अब ये होता क्यों है इसका एक रीजन है ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज इट इज ड्यू टू द ब्लड जो फ्लो करता है आर्टरीज में उसकी वजह से होता है ठीक है ना आप उससे क्या होता है नंबर काउंट कर पाते हो कितना पल्स बीट कर रहा है एक मिनट में देख रहे हो आप किन से पल्स इन द रेस्ट आप चेक कर पा रहे हो ठीक है क्योंकि यहाँ पे थ्रोबिंग हो रहा है क्लियर हो गया अगर कोई भी इंसान रेस्ट कर रहा है अगर कोई भी इंसान रेस्ट कर रहा है तो उसका लगभग सेवेंटी टू एंड एटी बीट्स पर मिनट आपको फील होगा ठीक है चलिए अब हम लोग हार्ट की बात कर लेते हैं हमारा प्यारा हार्ट काम तो इसका ब्लड प्योरिफिकेशन का है ब्लड पंपिंग का है लेकिन लोग इसको अलग गलत गलत जगहों पे इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो इसको बचा के रखना है सेव इट ठीक है क्योंकि इसको प्रॉपर फंक्शन करेंगे अपने लाइफ का जो इसको काम मिला है वो करने दो है ना इसको डिस्टर्ब नहीं करना है चलिए हम लोग हार्ट के बारे में जान लेते हैं अब हम लोग बात करते हैं हर्ट की ठीक है हर्ट की अगर बात करें तो सिंपल आपको ये समझना है कि हार्ट एक ऑर्गन है जो कि बीट करता है कंटिन्यूसली और एक बिहेव करता है जो पंप की तरह पंपिंग करने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर सके जो कि बहुत सारी चीज़ों को कैरी कर रहा है और वो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जाए पंपिंग की तरह काम करेगा एक मोटर की तरह काम करेगा ठीक है हार्ट जो लोकेटेड होता है वो चेस्ट की कैविटी में है विथ इट्स लोअर टिप जो होता है वो स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ वो आपको स्लाइटली लेफ्ट की तरफ टिल्टेड दिखेगा ठीक है आप देख सकते हो क्लियर है अगर हम लोग बात करें हर्ट जो होता है वो रफली हमारे मुट्ठी जो कहते हैं फिस्ट के साइज का होता है आप रफली देख लो आपकी जो मुट्ठी बन रही है उसी के साइज का होगा वेट ऑफ दर्ट हर, की बात कर ले तो लगभग आपको तीन ग्राम इसकी वेट देखने को मिलेगी ठीक है चलिए इतनी चीजें आप लोगों ने जान ली अब हम लोग आगे मूव करते हैं हर्ट के पास होते हैं टोटल चार चैम्बर चार चैम्बर हर्ट होते हैं जो पार्टीशन होता है बिटवीन द चेंबर वो हेल्प करता है मिक्सिंग ऑफ ब्लड ना हो जाए ब्लड मिक्स हो जाएगा एक ब्लड होता है आपको ओ टू रिच एक होता है सी ओ टू रिच तो ये हो गया प्योर ब्लड ये हो गया इम्प्योर ब्लड अब इसको अगर हम पार्टिसिपेट कर दें तो हम अगर इसको अगर इसको सेपरेट कर देते हैं तो ये अगर इसमें मिक्स ना हो तो हमारा काम हो जाएगा ना क्योंकि हमें सी ओ जो मिक्स ब्लड है उसको ले जाना है लंग्स में और यहाँ से ऑक्सीजन इसमें डिजोल्व करवाना है और इसको बाहर भी हमको फेंकना है और ओ टू रीच ब्लड को हमको हमारे पूरे बॉडी में ले जाना है ठीक है क्योंकि तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी ना तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है अब आज अपनाओ ठीक है अब जो दो ऊपर का चेंबर होता है हमारे हार्ट का वो होता है एट्रिया सिंगुलर इसका एट्रियम पढ़ते हैं हम लोग ठीक है जो ऊपर का चेंबर होता है वो एट्रिया कहते हैं उसको उसका सिंगुलर अगर हम लोग देखेंगे तो एट्रिया हो, एट्रियम होगा तो देख लीजिए लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम एक मिनट तो ये हो जाएगा राइट एट्रियम ठीक है ऊपर के चेंबर की ये बात हो गई <coughs> ठीक है और जो दो लोअर चेंबर होते हैं उसको हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं तो ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल्स और ये हो गया राइट वेंट्रिकल्स इतना समझ में आ गया इसी के साथ साथ ये विना कावा हो गया एक एक चीज को समझेंगे पहले थोड़ा आराम से देख लेते हैं ठीक है अब अगर हम लोग ब्लड की बात कर ले <coughs> तो बेसिक चीज़ें समझिए देखिए आर्टरीज क्या करेगा प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी आउट करेगा ठीक है वेंस क्या करेगा इमप्योर ब्लड सी टू रिच ब्लड या डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड को कैरी आउट करेगा ठीक है अब एक बात बताओ मुझे आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी आउट कर रहा है मतलब क्या काम होगा उसका उसकी उसका जो काम होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाने का होगा वेंस का क्या काम होगा वेंस का जो गंदी ब्लड होगी उसको आपको कैरी आउट करना होगा अब देखिए दो टर्म होता है एक होता है पल्मोनरी आर्टरी एक होता है पल्मोनरी वेन ठीक है पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन अब देखिए आर्टरी तो नॉर्मली तो प्योर ब्लड कैरी करता है लेकिन अगर पल्मोनरी आर्टरी की बात करें तो वो इम्प्योर ब्लड कैरी करता है बस यहाँ एक चीज याद रखिएगा पल्मोनरी ऐड हो जाए तो उसके वर्क को रिवर्स कर दीजिएगा पल्मोनरी आर्टरी की बात कर ले तो वो सी ओ टू इम्प्योर ब्लड को कैरी आउट करता है पल्मोनरी वेन की बात कर ले हालाँकि वेन नॉर्मली वेन क्या होता है प्योर ब्लड को कैरी करता है लेकिन पल्मोनरी हम उसमें यूज कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को प्योर ब्लड को कैरी करता है और पल्मनरी वेन जो होता है वो लंग्स की तरफ होता है लंग्स की तरफ जाता है ठीक है क्लियर हो गया चलिए अब हम लोग कुछ चीज़ समझ लेते हैं एक बार हार्ट के बेसिक डायरेक्शन को समझते हैं देखिए जो हार्ट होता है चार चम्बर उसमें वेन से एंटर करेगा आपको ए पार्ट में ठीक है उसके बाद इस सेक्शन से आपको एक मिनट एक जगह और दे रखा होगा हाँ क्लियर है ये इस डायग्राम को आप देख के समझ सकते हैं ये हार्ट है ये पल्मोनरी वेन है पल्मोनरी आर्टरी है ठीक है ये वेन है ये आर्टरी है ये कैपिलरीज है ये सिमेटिक डायग्राम हो गया सर, सर्कुलेशन सिस्टम का तो अगर हम नॉर्मल वे में समझें एक ब्लैंक चीज़ चाहिए मुझे ठीक है चलिए पहले यही समझ लेते हैं थोड़ा सा छोटा सा हार्ट बनाते हैं लीजिए आपके एस एम एस वाली हार्ट बना लेते हैं ठीक है ताकि आपको समझ में आए क्लियर है इसी तरीके से लंग्स बना लेते हैं दो फेफड़े हो गए आप डायग्राम की तरफ मत देखना लेकिन मैं आपको बताता दूँ आपके लिए आसान कर दूंगा ये अब देखो ये इसको चैम्बर में बदल लेते हैं थोड़ा सा और उसको कम कर लेते हैं क्लियर है तो मान लो ये चैम्बर ए हो गया ये ऊपर वाले पार्ट को हम लोग ए मान लेते हैं ये ये जो हो गया एट्रियम ए वन ए टू मान लो ये वेंट्रिकल वी वन वी टू मान लो ठीक है अब देखो यहाँ से वेन जो एंटर किया ठीक है यहाँ से एक वेन आया वेन में ब्लड है ठीक है ये इंटर किया उसके बाद वेंट्रिकल वन में ठीक है अब इसको ये एक चम्बर वन हो गया दो हो गया तीन हो गया चार चंपर लो उससे कोई दिक्कत नहीं है तो यहां से जो ब्लड आया यहां पे तीन तीन छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं उससे ब्लड इसमें आया इसके बाद जो होगा ये ब्लड जो होगा जो कि इम्प्योर ब्लड है ठीक है इम्प्योर ब्लड है क्योंकि वेन है ये वेन से इंटर किया था तो इम्प्योर ब्लड ये जो इम्प्योर ब्लड होगा ना वो आपको लंग्स पे आएगा लंग्स में उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिक्स होगा और हम लोग सी को बाहर की तरफ फेंकेंगे ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ जो भी ऑक्सीजन का काम हुआ जो लंग्स का काम था वो इन्होंने कर दिया यहाँ पे ऑक्सीजन मिक्स हो गया ठीक है जहाँ पे प्रोसेस हो गया यहाँ की प्रोसेस को भी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन मिक्स हो गया उसके बाद जो ब्लड यहाँ से निकला वो ओ टू रीच है ओ टू रीच है ठीक है और ये कौन सी ब्लड हो गई प्योर ब्लड हो गया प्योर ब्लड हो गया ठीक है अब ये जो वेन जा रहा है ना प्योर ब्लड जा रहा है वेन है तो यहाँ हम लोग पलमनरी वेन कहेंगे ठीक है पलमनरी लगते ही उसका काम रिवर्स हो जाएगा ठीक है पलमनरी वेन हो जाएगा ठीक है और ये चला जाएगा हमारे सेकेंड वाले चैम्बर में ठीक है अब देखिए यहाँ से था इम्प्योर ब्लड इंटर किया था ये आया प्योर ब्लड अब देखो इम्प्योर ब्लड मैं इसको थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ इम्प्योर ब्लड यहाँ से आया ऐसे आया फिर इस तरीके से मिलके के लिवर में प्योर हुआ फिर प्योर होने के बाद इस तरीके से गया और ये इस चैम्बर में चला गया ठीक है इस चैम्बर में आने के बाद वल्ब होगा उसके इस चैम्बर में आकर के वो पूरे बॉडी में चल जाएगा ठीक है ना बॉडी में पूरे बॉडी में यहाँ से चला जाएगा तो ये सिंपल अरेंजमेंट है इस यहाँ पे दो दो वल्ब होता है इसको बाईस बाईस स्पीड वल्व कहते हैं यहाँ पे तीन वल्ब होता है इसको ट्राई का स्पीड वल्ब कहते हैं जनरल साइंस में इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है ठीक है और ये जो आर्ट्री हुआ ये इम्प्योर ब्लड को ले जा रहा है तो ये पलमिनरी आर्ट्री हो गया इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत है आपको सारा क्वेश्चन इससे बन जाएगा ठीक है चलिए एयरोटा एक होता है वो लार्जेस्ट आर्ट्री होता है जो कि डिलीवर करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ठीक है आप एरोटा देख सकते हो ये ये डायग्राम ना आप रफली बना लेना अपने कॉपी में ये मोर देन सफिशेंट होगा आपके लिए फिर हम लोग एयरोटा की बात कर लेते हैं देखिए एयरोटा क्या करता है एयरोटा जो होता है वो लार्जेस्ट आर्ट्री है जो कि डिलीवर करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू टू द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ठीक है चलिए तो ये जो हो गया बेसिक फंक्शन ऑफ हर्ट हो गया इससे बाहर अभी क्वेश्चन नहीं जाएगा बेसिक सेवन लेवल पे और हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ में ठीक है चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं हार्ट बीट के बारे में अगर हार्ट बीट के बारे में बात करें तो, तो जो वॉल्स होते हैं चैम्बर के और हर्ट हर्ट के वो मसल्स के बने होते हैं मसल्स के बने होते हैं तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा रेदमिकली मतलब एक टाइम पीरियड को फॉलो करके जो रेदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है फॉलोड बाई उसके रिलैक्सेशन के तो ये एक हार्ट बीट को कॉन्स्टिट्यूट करता है मतलब कॉन्ट्रेक्शन प्लस रिलैक्सेशन इक्वल्स टू हार्ट बीट हार्ट बीट जो होता है वो फिल्ट किया आता है एक इंस्ट्रूमेंट से स्टेथोस्कोप कहते हैं इसको आपको पता है बचपन से आप देखते आ रहे हो ठीक है ना ये क्या करता है बेसिकली हार्ट के साउंड को एम्पलीफाई कर देता है ठीक है एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों के लिए बता देता हूँ अगर मान लीजिए ये एक सिग्नल जा रही है ठीक है इसकी एम्पलीट्यूड ए है अगर इसको हम एम्पलीफाई कर देना एम्पलीफायर का यूज़ करके तो उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा ए हो जाएगा ए जो है जिसकी जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा है ए से ठीक है इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया गया क्लियर है चलिए हाँ फिर अगर हम लोग बात करें हार्ट बीट हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम अगर दूसरे जानवर की बात कर लेते हैं हार्ट बीट तो हो गया देख लो स्टेथोस्कोप इंस्ट्रूमेंट दे रखा है मॉडल किस तरीके से है चेस्ट पे ये लगाते हो और ये ट्यूब हो गया और ये ईयर पीस में लगाते हैं हमारे डॉक्टर एम्प्लीफिकेशन के लिए चलिए अब अगर हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम अदर एनिमल में बात करें तो एनिमल जैसे कि तो स्पॉन्ज हो गए हाइड्रा हो गए उनके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता ये याद रखिएगा स्पॉन्ज हो गया एंड हाइड्रा इनके पास कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है नहीं होता है ठीक है वाटर जो होता है जिसमें वो रहते हैं वो उनको फूड ला फूड मिलता है और ऑक्सीजन उसी से मिलता है ठीक है उसी वाटर में जहाँ वो रह रहे हैं इकोसिस्टम में वहाँ से उनको फूड भी मिलता है ऑक्सीजन भी मिलता है जो वाटर कैरी अवे हो जाता है वेस्ट मटेरियल के साथ वो बेसिकली जो भी वैसे मटेरियल जो सी कंटेंट होते हैं वो खुद पर खुद बाहर निकल जाते हैं ठीक है ना चलिए पानी के साथ ही तो ऐसे एनिमल्स होते हैं उनकी अपनी सर्कुलेटरी फ्लूड ब्लड नहीं होता है इनमें ठीक है उनको ज़रूरत भी नहीं होती है क्यों जरूरत होगी जब इनके पास हर्ट ही नहीं है तो ठीक है चलिए सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं है फिर अब हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल तो हमारा सर्कुलेशन हो गया जितना रिक्वायर्ड था यहाँ पे उतना हम लोगों ने देख लिया है अब हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल चलिए तो आप में अगर सर्कुलेशन हो रहा है जब तो हमारा जब सेल परफॉर्म करता है उनके फंक्शंस को कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं ठीक है ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसमें सी होते हैं और उसको हमको रिमूव करना होता है हमारे बॉडी के पार्ट से ठीक है तो ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं ना उनको रिमूव करना जरूरी है हमारे बॉडी से जो प्रोसेस होता है रिमूवल का वेस्टेज वेस्ट का जो कि सेल में प्रोड्यूस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के उनको हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं ठीक है उसी को एक्सक्रीशन कहते हैं ये सारा जो एक एक पैरा का स्टेटमेंट लिखा हुआ था वो जो मैंने अभी दो लाइन बोला ना उसी वही है ये ठीक है चले और ये पूरे सिस्टम कंसिस्ट करता है एक्सक्रेटरी सिस्टम ठीक है ना वैसा तरीका जिसमें वेस्ट केमिकल जो होते हैं वो बॉडी से रिमूव किया जाता है एनिमल के और ये डिपेंड करता है कितना बॉडी में वाटर की अवेलेबिलिटी है अगर हम लोग एक्विटिक एनिमल की बात कर लेटिक एनिमल की बात कर लें जैसे फिशेस हो गया ठीक है ना वो एक्सक्रीट सेल वेस्ट एज अमोनिया विच डायरेक्ट डिजॉल्व इन वाटर तो वो लोग जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है ना वेस्ट वो अमोनिया वो लोग रिलीज करते हैं और वो डायरेक्टली पानी में ही मिल जाता है ठीक है ना लैंड एनिमल्स हो गए जैसे बर्ड्स लिजर्ड स्नैक वो जो होते हैं वो सेमी सॉलिड एक्सक्रीट करते हैं व्हाइट कलर्ड कंपाउंड उसमें यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है ठीक है चलिए अब बात करेंगे हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बिंग एक्सक्रेटरी सिस्टम जो ह्यूमन का होता है उसमें दो किडनी होती है दो यूटेरस दो यू 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 यूरेटरीज यूरे होते हैं एक यूरिनरी ब्लैडर होते हैं और एक यूरेथ्रा होता है ठीक है मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूँ देखिए जो हमारे बॉडी में या ब्लड में वेस्ट प्रेजेंट है ना ठीक है ना उसको रिमूव किया जाता है बॉडी से ये कैसे होता है एक मैकेनिज्म होता है कि फिल्टर करो ब्लड को तो ये किसके द्वारा किया था जो फिल्टरिंग ऑफ ब्लड होता है ना वो आपको किडनी के द्वारा किया जाता है ठीक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है ठीक है चलिए अब जो फिल्टर तो किडनी से किया जाता है जब ब्लड पहुँचता है ना किडनी तक वेन द ब्लड रीचेज टू द टू किडनीज इट कंटेन्स बोथ अब जब ब्लड पहुंच रही है किडनी के पास उसके बाद दोनों चीज़ होता है यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस दोनों जो यूजफुल सब्सटेंस होता है वो एब्जॉर्ब बैक कर लिया जाता है ब्लड के द्वारा क्योंकि वो तो बॉडी की रिक्वायरमेंट है तो वो रिटर्न बैक हो जाता है जो वेस्ट होता है वो डिजॉल्व होता है वाटर में और ये रिमूव किया जाता है एज ए यूरिन के यूरिन ठीक है एज ए यूरिन इसको रिमूव कर दिया जाता है अगर हम लोग किडनी की बात कर ले तो यूरिन गोज़ इन टू द यूरिनरी ब्लैडर यूरिन गोज़ इन टू यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरिनरी ब्लैडर किस चीज़ के थ्रू जाता है तो एक ट्यूब होता है इसको हम लोग यूरेटर्स कहते हैं ठीक है आप देखो ये किडनी हो गया हमारा ये दोनों किडनी हो गया आप देखिए ये होता है यूरेटर ये हो गया यूरेटर यूरेटर और जाता किस में है तो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है ठीक है यूरिनरी ब्लैडर में जाता है ये जो ब्लैडर है ये ठीक है ना चलिए यही फुल हो जाता है जो आपको इशू होने लगता है कि मुझे बस अर्जेंस है अर्जेंट ही है ठीक है ना चलिए उसके बाद ये एक्सक्रीटन जो बाहर की तरफ निकलता है ये हो गया यूरिनरी ओपनिंग जिससे बाहर निकल जाता है और ये यूरेथ्रा हो गया क्लियर है तो ये सारी चीज़ें थी हमारे ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में बाद में जो ब्लैडर फुल हो जाता है तो ये पास आउट होता है यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू एंड पे मस्कुलर ट्यूब के जरा जो यूरित्रा है उसके थ्रू ठीक है चलिए एक एडल्ट ह्यूमन बींग अब यहाँ से कुछ डाटाज बनते हैं ठीक है एक एडल्ट ह्यूमन बींग जो होता है ये जो डाटा है ना यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है तो उसके बाद नॉर्मली वन से लेके वन लीटर ऑफ यूरिन जो होता है चौबीस घंटे में वो पास आउट करता है ठीक है यूरिन में क्या क्या होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 95 परसेंट वाटर होता है वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद टू पॉइंट फाइव परसेंट यूरिया होता है आप मुझे केमिकल कंपाउंड यूरिया की केमिकल फार्मूला बता सकते हो कमेंट सेक्शन में ठीक है ना और ढाई परसेंट जो होता है यूरिया होता है और ढाई परसेंट अदर वेस्ट मटेरियल होता है ठीक है ना याद ये ध्यान रखना है आपको अब देखिए स्वेटिंग जो होता है वो भी एक फॉर्म ऑफ रेस्ट एक तरीके से एक्सक्रीशन ही है हमारी बॉडी जो स्वेट करती है वो भी एक तरीके का एक्सक्रीशन है बेसिकली उसमें क्या होता है वाटर एंड सॉल्ट होता है जो कि बॉडी को कूल करने में मदद करता है ठीक है थर्मो रेगोल्यूशन एक वर्ड होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है ठीक है अब हम अगर अगर हम लोग बात करें किडनी फेलियर की ठीक है ना तो वेस्ट प्रोडक्ट वेस्ट जो प्रोडक्ट होता है वो एक जगह जमा होने लगता है ब्लड में और देनी प्रोडिक फिल्ट्रेशन वो फिल्टर हो नहीं पाता है तो एक आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू हम लोग उसको फिल्टर करते हैं और ये प्रोसेस क्या होता है इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डायलिसिस ठीक है इसी प्रोसेस को हम लोग डायलिसिस कहते हैं क्लियर है तो इतनी चीज़ें हमें पता चल गई ये डायलिसिस ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम में इससे पूछ सकता है क्वेश्चन जो किसी भी इंसान का जब किडनी ख़राब हो जाता है और काम करना बंद कर देता है इन्फेक्शन कारण हो सकता है इंजरी काम कारण हो सकता है ठीक है तो उसमें किडनी फेलियर की बात आती है क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो बाहर तो निकल नहीं पाता है वो एक्यूमलेट होने लगता है ब्लड में वैसे जो पर्सन होते हैं वो सर्वाइव नहीं करेंगे जब तक उनके ब्लड को फिल्टर आप प्योडिकली नहीं करते रहोगे तो ठीक है तो उसी जो फिल्टरेशन की प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं हम लोग ठीक है चलिए कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ा हूँ एक एक लाइन मैंने जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने इस पर डाल दी हैं कंटेंट आपको लग रहा है सही अगर आप अभी तक सुन रहे हो तो मतलब आप मेरे कंटेंट को बेनिफिट ले रहे हो तो आप इसको शेयर कर सकते हो शेयर करना चाहिए यार क्योंकि देखो मेहनत लगता है ना वैसे चीज़ें बोलने वाली होती नहीं है मैं बोलता नहीं था बट मुझे लगा कि लोग देख तो रहे हैं बट वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं ना देखते तो जरूर हैं क्योंकि एक एक वीडियो को मेरे लगभग नहीं तो सेवन थाउजेंड आवर्स को देख रहे हैं लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब प्लांट्स में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन देख लेते हैं थोड़ा सा है ना प्लांट में जाइलम फिलोम की बात आएगी उसको समझ लेते हैं ठीक है चलिए हमारा प्यारा प्लांट कैसे दूर रह जाए है ना प्लांट को देखते हैं बेसिकली अगर हम लोग प्लांट की बात कर लें प्लांट पानी लेता है मिनरल न्यूट्रिएंट लेता है सॉइल से ये तो पता है रूट्स के थ्रू लेता है और ट्रांसपोर्ट करता है उसको लीव्स के तक मतलब यहाँ से लिया देखो यहां से वो भी मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है इधर से लिया आप देख सकते हो ब्लू कलर की और सारे को मिनरल्स एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट किया ऊपर लिप्स की तरफ ठीक है लिप्स की तरफ तो बेसिकली जो लिप्स होते हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट के लिए और वाटर को यूज करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के वक्त ठीक है ना ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल मैंने बता दिया प्लांट ऑब्जॉर्व करता है वाटर एंड मिनरल रूट के थ्रू जो रूट्स होते हैं उनके पास रूट हेयर होते हैं रूट हेयर जो होता है वो सर्फेस एरिया को इंक्रीज करते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा एबजॉर्ब्शन होता है वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स का जो कि पानी में डिजॉल्व है प्लांट हैव जो पाइप लाइक वसल होता है जो प्लांट को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है वाटर न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम सॉइल तो वैसल जो मेड अप ऑफ होता है स्पेशल सेल से वो कि एक जो सोल होता है सेल होता है वो वस्क्यूलर टिशू कहते हैं उसको एक ऐसा टिशू टिशू क्या होता है ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि सम स्पेशलाइज्ड फंक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म करता है अब यहाँ पे कौन कौन सा टिशू होता है तो जाइलम और फिलोइम होता है दो तरीके के टिशू होगा एक होगा जाइलम वस्क्यूलोर टिशू है दोनों ठीक है एक होता है जाइलम फिगर सेवन पॉइंट सेवन ए सेवन पॉइंट सेवन ए देखिए आप जाइलम दिखेगा आपको जाइलम वेसल्स दिखते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं मतलब रूट हेयर हो ये होगा इन्होंने इसने वाटर प्लस मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया और ये इसको ऊपर की तरफ भेजा और किसके मदद से भेजा तो ये जो जाइलम होता है उसकी तरफ से मतलब जाइलम ही लेकर के आपको ऊपर तक जाएगा ठीक है अगर हम लोग फ्लोएम की बात कर लें तो फ्लोएम ऊपर से लाता है उसकी हम लोग बात अभी करते हैं वस्कुलर टिश्यू जो होता है ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को एंड न्यूट्रिएंट्स को प्लांट में इसको हम लोग जाइलम कहते हैं ठीक है जाइलम जो होता है वो एक कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल होता है देखो आप कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल है ये डिस्कनेक्टेड नहीं हो सकता है ठीक है और ये कनेक्ट करता है रूट को लिफ्ट से थ्रू द स्टीम ऑफ ब्रांचे स्टेम ऑफ ब्रांचेज और ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को इंटायर प्लांट में जो वस्क्यूलर टिश्यू होता है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करता है हमारे वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट में इसको हम लो लोग फ्लोएम कहते हैं ठीक है ना ऊपर से नीचे की तरफ लाएगा ये ठीक है चलिए अब एक एक टर्म आता है ट्रांसपिरेशन उसको समझते हैं और इस चैप्टर को क्लोज करते हैं ट्रांसपिरेशन इससे क्वेश्चन बनता है मैंने देखा है तो आप भी देख सकते हो आप अगर क्वेश्चन देखना है तो घटना चक्र देखो मैं बायो वाले सेगमेंट में भी काम कर रहा हूँ ऑलरेडी फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑलरेडी सबमिटेड है वहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड के बैकग्राउंड के हो जनरल साइंस अगर आपके एग्जाम में आ रहा है तो वहां से आप देख के कंप्लीटली सीख सकते हो जनरल साइंस को ठीक है ट्रांसफरेशन की बात करते हैं ट्रांसफरेशन जो वाटर इवोपरेट होते हैं थ्रू स्टोटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स बाई प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरेशन आपको पता है स्टोमेटल ओपनिंग जो मैंने आपको बताया था गार्ड सेल जो मैंने आपको बताया था क्लास सिक्स वाले इन में वहां से देख लेना आगे और डिटेल में आने वाले इसलिए मैं अभी ज्यादा सर नहीं फोरूंगा ठीक है चलिए तो बेसिकली क्या होता है जो लीव्स होते हैं वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से वहाँ से एक ऑपरेशन होता है वाटर का ट्रांसपिरेशन बेसिकली जनरेट एक फोर्स जनरेट करता है जो कि पुल करता है वाटर को पानी को खींचता है जो रूट से एब्जॉर्ब हुआ है उसको अब देखिए ट्रांसपिरेशन हो रहा है तभी अब पूरा रेगुलेशन हो रहा है पानी का और न्यूट्रिएंट्स का ठीक है स्टेम और लिप्स में पहुंच गया पानी और जो जिसको ट्रांस ट्रांसपरेशन होना है वो भी हो गया ट्रांसपिरेशन प्लांट के लिए थर्मो रेगुलेशन का काम करता है कोलेंट का काम करता है ठीक है अब चलिए एक और छोटा सा फैक्ट है जान लेते हैं देखिए एक थे आपको इंग्लिश फिजिशियन विलियम हारबी उन्होंने डिस्कवर किया था सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का ठीक है ब्लड को तो ये हो गया हमारा अब देखिए इसमें हम लोगों ने जितनी चीज़ें जानी आप देख सकते हैं अमोनिया आर्टरी ब्लड ब्लड वेसल्स कैपिलरी सर्कुलेटरी सिस्टम डायलिसिस एक्सक्रेशन एक्सक्रुलेटरी सिस्टम हेमोग्लोबिन हार्ट बीट रेड आरबीसी रूट एयर सेलस्कोप मतलब सारी चीज़ों को आप लोगों ने देख लिया ठीक है तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हो गया और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर होगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट मे बी देखता हूँ ठीक है ट्रांसपोर्टेशन एंड एनिमल एंड प्लांट ओवर